गुड इवनिंग एवरीबडी लेट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है आज से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं जीएस पेपर दो यूनिट एक का सबसे पहले दो लोगों को मेरा ये संदेश कई सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर आप यदि पहले बचे हुए को कंप्लीट कर देते हैं और फिर रिवीजन कराते तो ज्यादा बेटर होता और कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर जो बचा है उसे कवर कराया जाए मेरी भी यही राय है मैं भी यही मानता हूं लेकिन क्योंकि हमारी टीम में कई सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है और उनका कहना है कि सर यदि आप ग्यारहवीं यूनिट शुरू करेंगे तो ना तो बच्चों को आप पूरी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे और ना ही हर बात बच्चे को उतनी याद रह पाएगी आप एक बार रिवीजन क्लास पहले यूनिट की कंप्लीट कराइए और फिर खुद बच्चों से पूछिएगा कि क्या रिवीजन की क्लास होनी चाहिए या नहीं एक्चुअली ये रिवीजन के नजरिए से कम देखा जाए बल्कि इसे फाउंडेशन के नजरिए से देखा जाए मैं इसे अब ऐसा नहीं करूंगा कि यूनिट एक पांच क्लासेस में दस क्लासेस में बिल्कुल भी नहीं कोई भी यूनिट ज्यादा से ज्यादा दो क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इसका अभिप्राय यह हुआ कि केवल पंद्रह से बीस क्लास होने में ही हम पूरा का पूरा दस यूनिट रिवाइज कर चुके होंगे दस यूनिट पूरी तरह से फिर समझा चुके होंगे तो दो हजार बाईस तेईस चौबीस यहां तक कि दो हजार में भी अगर कोई यूपीएससी के लिए बैठ कर तैयारी कर रहा हो के जी वन के जी टू वाला विद्यार्थी ये केवल एक हास्यास्पद माना जाए लेकिन अगर बैठा हुआ हो तो भी मैं उसे पॉलिटी समझा सकूं। इस विषय को शुभारंभ करने का सबसे बड़ा कारण है कि 10 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ग्यारहवीं यूनिट को हम शुरू करेंगे उससे पहले 10 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पीटी के बाद मेंस में रिवीजन का टाइम मैं नहीं दूंगा मैं डायरेक्टली कोई प्रैक्टिस या आंसर राइटिंग पर बातचीत करूंगा दूसरा आज जब मैं क्लास लूंगा तो अब मैं पीटी के पॉइंट को भी इसमें कवर करा दूंगा ताकि कोई भी नया विद्यार्थी यदि इस कक्षा को कवर कर ले तो न केवल सिलेबस के अनुसार उसकी पहली यूनिट कवर हो जाए बल्कि दावे के साथ कह दूं कि उसको फिर कोई अतिरिक्त चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यह कक्षा उन सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो शुरुआत कर रहे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है जो लोग 2021 के हैं और जो 2024 तक कोई भी एग्जाम देने वाले हैं सभी विद्यार्थियों के लिए कहानी के रूप में यह पॉलिटी आपको सारे विषय को समझाने का प्रयास करेगी तो बिना किसी देरी के शुभारंभ करते हैं आज के जीएस पेपर दो यूनिट एक का सभी का भरपूर स्वागत है जिन सात विद्यार्थियों ने डिसलाइक कर दिया है उसमें मैं जानता हूं कि कई लोग केवल इसलिए डिसलाइक करते हैं क्योंकि वो मुझसे केवल इस बात से नाराज होते हैं कि मास्टर कई बार उनके मन मर्जी का नहीं करता है लेकिन यकीन मानना मैं जब भी कुछ करता हूं तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट पहुंचेगा इस उद्देश्य से करता हूं अन्यथा मेरे मन में यदि विचार हो तो मैं भी दो चार खबरें बता दूंगा कि फिलिस्तीन में इतने लोग मारे गए और इसराइल में इतने लोग मारे गए आसानी से हमारे भारत के एक लाख दृष्टांत करने वाले YouTube देखने वाले उसे देख लेंगे और व्यू जुटा लूगा लेकिन व्यू से ज्यादा जरूरी है आप लोगों का कुछ बेहतरीन भला हो जाए कुछ बेहतर ज्ञान इस पृथ्वी पर YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा सके बिना किसी देरी के शुभारंभ करते रस हमारा एक्सक्लूसिव चैनल है इसे भी सब्सक्राइब करिए भारत के बेहतरीन एजुकेटर आपके लिए हैं आपके पास तैयारी का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप ही नहीं कोई भी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वह भारत के अलावा अन्य देशों की भी तैयारी कर रहा हो तो अनकेडमी का विकल्प है क्योंकि अनएकेडमी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पर कई देशों के एग्जामों की तैयारी कराई जाती है यूपीएससी सी एस सी फोर इन वन का ऑफर इस समय अभी भी उपलब्ध है एमके लाइव रिफर कोड उपयोग करते चलिएगा सर ये रिफर कोड क्या होता है कई बच्चों का सवाल है रिफर कोड का सामान्य अर्थ है कि आप हमारे माध्यम से जुड़ रहे हैं जिसके माध्यम से ज्यादा ऑब्वियसली बच्चे जुड़ते हैं टीचर को माना जाता है कि ज्यादा प्रभावशाली है खुलकर बात करूं तो रिफर कोड का सिंपल सा मतलब है कि आप हमारे माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं तो जरूर रिफर कोड प्रेफर करा करिए ताकि पता चले कि आप हमारे माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं 19 मई से कई सारी बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं और छह महीने के लिए एक स्पेशल ऑफर आपके पास आ चुका है कि यदि आप महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन अभी उपलब्ध हो रहा है वन ईयर और टू ईयर में तो आपके पास पंद्रह महीने के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे फाउंडेशन बेच 2022 के लिए सात जून से मैं शुरू कर रहा हूं अन एकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर और दस जून से ज्योग्राफी ऑप्शनल मैं शुरू कर रहा हूं ये मेरे बैचेस है जो आप अन पर प्राप्त कर सकते हैं और एम के लाइव रिफर कोड आप कभी भी यूज करिए क्योंकि इकलौते एजुकेटर हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस चीजों को कवर कराते हैं नोट्स बनाएंगे रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे और टेस्ट देंगे सिलेक्शन अपने आप होगा कल आप लोगों के लिए सुबह दस बजे हमने क्लास रखी है मार्च दो मंथली करंट अफेयर मार्च दो और कल शाम पांच बजे स्पेशल क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास है दो हजार बाईस तेईस के विद्यार्थियों के लिए पोस्टमार्टम ऑफ हिस्ट्री की इतिहास विषय कैसा है क्या है सब कुछ बता देंगे हम इसमें आइए शुभारंभ करते हैं जीएस पेपर दो यूनिट वन मेरी बातों को ध्यानपूर्वक और शिद्दत से सुनना कोई नोट्स मत बनाना यकीन मानना दो घंटे मैं मांग रहा हूं आपसे अपनी जि, आपकी जिंदगी के बस ध्यान पूर्वक सुनना आज सच में अद्भुत मजा आएगा आपको बेहतरीन लगेगा सबसे पहले तो यूनिट वन में है हमारे संविधान निर्माण का ऐतिहासिक आधार विकास कैसे हुआ और विशेषताएं क्या है तो आज हम इन तीनों बातों को कवर कर लेंगे एक क्लास में और कल इसी टाइम पर दूसरी क्लास लेकर इस यूनिट का मैं समापन कर दूंगा पूरी बुनियादी ढांचे तक की कहानी मैं समझा दूंगा छह हिस्से हैं यूनिट वन में हमें पढ़ना है ऐतिहासिक आधार विकास विशेषताएं संशोधन महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा आइए मैं शुरुआत करने जा रहा हूं पहले वहां से जहां से शुरू से शुरू होता है आइए मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आखिर ये संविधान व विधान सारी चीजें होती क्या हैं इसे कहानी के रूप में पहले समझते चलिएगा मेरे साथ शुभारंभ कर रहे हैं जो नए विद्यार्थी है संविधान एक किताब का नाम है ऐसे तो कई किताबें होती हैं कुछ उपन्यास के रूप में होती है कुछ कविताओं के संग्रह होते हैं कुछ ऐतिहासिक रूप में बन जाती है जो कि ऋग्वेद ग्रंथ जैसी बन जाती है संविधान एक किताब है क्या है भाई इस किताब में संविधान जनरली उस किताब को कहते हैं जिसमें किसी के व्यवस्था या शासन को चलाने के नियम सामान्य रूप से मिलते हैं हमारे देश जब अंग्रेजों के हाथ में था तो हमारा देश वो चलाते थे अब उन्होंने कहा कि तुम संभालो इस क्षेत्र की शासन व्यवस्था को तो हमने कहा कि क्षेत्र की शासन व्यवस्था को तो हम चलाएंगे लेकिन कैसे चलाएंगे उसमें किस तरीके की बातें होगी उसके लिए हमारे देश के बुद्धजीवी बैठे और उन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसमें सिस्टमेटिक ढंग से बताया कि हमारे देश में शासन व्यवस्था कैसे चलेगी और उसी किताब को हम संविधान की किताब या संविधान कह देते हैं क्या हम संविधान पढ़ने वाले हैं बिल्कुल भी नहीं आज हम इस रहस्य को जानने वाले हैं कि एक जमाने में जहां सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन की बात होती है ऋग्वेदिक काल की बात होती है महाजनपदों की बात होती है सल्तनत काल और मुगल काल की बात होती है उस देश में ऐसा आधुनिक लिखित संविधान का उदय कैसे हुआ अचानक तो कोई क्रांति भारत में नहीं हुई जैसे चीनी क्रांति हुई जैसे रूस में क्रांति हुई जहां पर शस्त्र के आधार पर लोगों ने राजा महाराजाओं को भगाया और एक नई सत्ता का निर्माण किया तो हमारे देश में यह जो बदलाव आया और हमारा देश एक संवैधानिक तंत्र के रूप में आगे बढ़ने लगा राजा महाराजाओं को हमने कब पीछे छोड़ा और कब हम एक आधुनिक शासन व्यवस्था के रूप में अग्रणी हुए इस आज की पूरी कहानी इसी बात पर आधारित है कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होती है संविधान को आप इस नजरिए से भी समझ सकते हैं कि एक संयुक्त परिवार है और उस संयुक्त परिवार में 40 लोग रहते हैं दादा-दादी के अलावा उनके पांच बेटे हैं और हर पांच बेटे के पांच-पांच बच्चे भी हैं अब कल्पना करिए कि इतना बड़ा परिवार है इस परिवार में कौन घर संभालेगा इस परिवार में सुबह का खाना कौन बनाएगा इस परिवार में सब्जियां कौन लाएगा इस परिवार की बाकी जरूरतें कैसी पूरी होगी इसके लिए तो दादा दादी को एक नियमावली बनानी पड़ेगी बस कुछ कहानी ऐसी है कि इतना बड़ा देश इतनी ज्यादा विविधता इतने अलग अलग क्षेत्र और इन सभी क्षेत्रों में हमें शासन करना है और लोगों को एक बेहतरीन लक्ष्य की ओर लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को मजबूत करने के लिए हमें कुछ नियमों का निर्माण करना है इसी के उद्देश्य से हमने संविधान का निर्माण किया तो संविधान केवल एक किताब है जिसमें हमारे देश के पूरे नियमावली का वर्णन हमें मिलता है इस संविधान की किताब में क्या क्या हिस्से हैं कितने भाग हैं वो हम अगले पार्ट में आपको अंतिम चैप्टर के रूप में इस चैप्टर के अंत में पीटी पॉइंटर के रूप में कवर करा देंगे कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं या आज भी डिस्कस हो जाएगा पर अब आते हैं जरा इसके निर्माण होने की प्रक्रिया पर कि इस पूरी कहानी का आरंभ कहां से हुआ कहां से हमें लगा कि हमारे संविधान में ऐसी बातें होनी चाहिए आज उस रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे कि कहा राजा महाराजाओं को हमने पीछे छोड़ा और कहां से हम एक आधुनिक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ने लगे आधुनिक भारत का इतिहास वास्तविक रूप में आधुनिक भारत का इतिहास केवल इसीलिए माना जाता है क्योंकि वहां पर एक नई शासन व्यवस्था जो कि आधुनिक शासन व्यवस्था से काफी मिलती जुलती भले ही थी मतलब इस कारण से हम उसे आधुनिक मानते हैं अन्यथा इतिहासकार भारत के इतिहास को आधुनिक इतिहास का नहीं मानते क्योंकि आधुनिक इतिहास में मानव अधिकार आधुनिक इतिहास में लोगों को स्वतंत्रता और मूल अधिकार देने की बात आती है जबकि भारत का आधुनिक इतिहास वहां से शुरू होता है जहां भारत किसी का गुलाम बनता है पर अभी हम उस विषय पर कभी बाद में चर्चा करेंगे आज का उद्देश्य है आखिर इस संविधान की ऐतिहासिक कहानी कहां से शुरू होती है तो पहले तो मैंने आपको सिलेबस बताया छह हिस्से आज में, में से तीन हिस्से हम कवर करेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास संविधान सभा का गठन संविधान सभा की कार्य प्रणाली संविधान समक्ष संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले कारक संविधान सभा की समितियां भारतीय संविधान की विशेषता प्रिलिम पॉइंटर प्रिलिम और मेंस के क्वेश्चन तो आइए शुभारंभ करते हैं सबसे पहले संविधान क्या है किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का समूह थोड़ा सिस्टमेटिक परिभाषा यदि आप देना चाहें तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का समूह देश का प्राथमिक और आधारभूत कानून है देखो भाई प्राथमिक और आधारभूत इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी कानून इसी से निर्मित होते हैं इसी के दायरे में कानूनों का निर्माण होता है और प्राथमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी देश में कानून बनाने से पहले एक नियमावली बनानी पड़ती है जिसे संविधान के रूप में जाना, जाना जाता है तो ये सबसे पहला कानून माना जाता है देश का और इसीलिए इसको प्राथमिक कानून या आधारभूत कानून की संज्ञा दी जाती है जैसे कि कुछ बेसिक बातें हैं जिंदगी की वो आधारभूत बातें मानी जाती हैं वैसे ही देश में कई कानून बनेंगे सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय देती है तो वो एक कानून बन जाता है हमारे देश में कई बार अलग अलग तरीके से कानून बनाने की प्रक्रियाएं होती हैं संसद में विधानसभाओं में लेकिन ये सब बाद के कानून हैं। पहला कानून जो होता है वो देश का संविधान होता है अन्य सभी कानून नियम इसके अनुकूल और अधीन होते हैं तो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास का शुभारंभ कर रहे हैं मेरी बात अब ध्यान से सुनते चलना हमारे देश के संविधान का निर्माण हम मानते हैं कि सत्रह से होता है हमारे देश के संविधान का निर्माण सत्रह से होता है आप कहेंगे सर उस समय तो गुलाम थे तो संविधान कैसे बना वास्तविक रूप में संविधान नहीं बना लेकिन संविधान का प्रारंभ जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया हमारे लोगों को पहली बार पता चली कि राजा महाराजाओं के अलावा भी कानून बनाकर चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है थोड़ी सी कहानी मैं आपको याद दिला देता हूं ब्रिटेन से एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगातार अपना व्यापार मजबूत करते चले गए और अलग अलग तरीके से साम दाम दंडभेद रिश्वत के आधार पर राजा महाराजाओं से रियायत प्राप्त करने लगे लेकिन शासन के बदलने पर वो रियायतें कभी कम होती थी तो वह उस राजा के खिलाफ ही विद्रोह कर लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रकार का एक विद्रोह बंगाल के नवाब के खिलाफ किया था सत्रह में जिसे प्लासी की लड़ाई कहते हैं और वो प्लासी की लड़ाई किस्मत से जीत भी जाते हैं यह खबर ब्रिटेन में पहुंचती है वहां की महारानी और वहां के शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के पास कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत जैसी जगह पर किसी क्षेत्र का क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर चुकी है एक्चुअली भारत की गाथाएं बड़ी अद्भुत है भारत के बारे में पहले से ही ये लोग मानते थे कि भारत जैसा समृद्ध कोई नहीं जो इस क्षेत्र पर शासन कायम कर देगा वह पूरे विश्व में सबसे अधिक समृद्ध बन पाएगा तो जैसी महारानी को पता चला कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के जैसे किसी क्षेत्र में शासन कर रही है तो उसने कहा कि यह तो ठीक नहीं होगा अगर ये इतनी ताकतवर बन जाए तो किसी दिन ब्रिटेन पर ही हमला कर देगी तब उसे डर पैदा हुआ पर यह डर और आगे बढ़ गया जब सत्रह के बाद सत्रह सो में बक्सर की लड़ाई हुई और इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी दमदार तरीके से जीती यहां तो किस्मत से जीती लेकिन यहां दमदार तरीके से जीती और यहां पर जीतने के बाद उसे भारत के कुछ हिस्से में अपने तरीके से कर वसूलने के अधिकार मिल गए कर वसूलने का अधिकार मिलने का अभिप्राय है अब उतने क्षेत्र में उस कंपनी का शासन स्थापित हो गया इसी दौरान कंपनी को इतना ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ और वो कर्जे में डूब गई तो इसने ब्रिटेन की संसद से लोन की अर्जी की कि हमें आप लोन दे सकते हैं क्या बस यही एक मौका था महारानी ने कहा मैं लोन दूंगी लेकिन तुम्हारी कंपनी का कंट्रोल जो कि शासन चलाने का है वो मेरे पास या इनडायरेक्टली मेरे अनुसार चलेगा तुम व्यापार करते चलना मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं पर शासन जैसे कहूंगी वैसे करने की कोशिश करना इसी के तहत वहां की संसद ने लगातार कानून बना बनाकर उस ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि तुम शासन ऐसे चलाओ ऐसे नियमों का पालन करो और इस तरीके से भारत में ब्रिटेन की संसद से कानून पारित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी उसे लागू करवाने का काम करती थी और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में विधायिका इंग्लैंड में थी और उसकी कार्यपालिका ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से काम कर रही थी पर इस कहानी में ट्विस्ट आता है सत्रह सत्तावन से जो कहानी की शुरुआत होती है सौ वर्षों के अंदर भारतीय लोगों में भी एकजुटता आती है और भारतीय लोगों में कई लोग इस ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रताड़ित होकर विद्रोह कर देते हैं तब इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जान बचाने के लिए उस इंग्लैंड की महारानी सेना भेजती है और वह फिर से इस पूरे क्षेत्र पर को बचा लेती है पर महारानी यहां एक गेम खेलती है और महारानी कहती है कि अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी मदद से मैं इस क्षेत्र पर शासन कर रही थी लेकिन अब क्योंकि इस जगह को बचाने में मैंने तुम्हारी मदद की है इसलिए अब यहां की पूरी शासन व्यवस्था डायरेक्टली मेरे अनुसार चलेगी अब तुम यहां से अपना केवल बोरिया बिस्तर समेट कर व्यापार का, का काम करोगे बिजनेस का, का काम करोगे पर कोई दूसरा काम हम तुम्हें करने नहीं देंगे जो शासन व्यवस्था का होगा तो जिसे भारत के संविधान को समझना है उसे दो कहानियां समझनी पड़ेगी एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए वहां की सरकार लगातार उस शासन व्यवस्था को कैसे कंट्रोल करती है और अठारह की क्रांति के बाद किस तरीके से फिर महारानी भारत को डायरेक्टली दिशा निर्देशित करके अपना डायरेक्ट गुलाम बना देती हैं इसी कहानी को हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में समझते हैं एक बार संक्षिप्त में मैं आपके मस्तिष्क में बातें डाल देता हूं सत्रह प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी जीती सत्रह में बक्सर की लड़ाई जीती उन्हें शासन करने का अधिकार बंगाल में मिला फिर इन्होंने लोन की अर्जी की लोन की अर्जी करने पर महारानी ने कहा लोन तो दूंगी लेकिन जो शासन चलाओगे तुम मैं जैसा कहूंगी उसके अनुसार चलाना पर सत्रह अठारह में जब विद्रोह हुआ तो वह डायरेक्टली महारानी ने भारत की शासन व्यवस्था अपने कब्जे में ले ली ऐसा अचानक नहीं हुआ वो कंपनी को भी समझ में आ गया था कि महारानी हमें इस लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को भी समझ में आ गया था कि लंबे समय तक भारत में शासन करने महारानी नहीं देगी आइए देखते हैं हमारे संविधान का कौन सा पन्ना इनके संसद से पारित कानूनों से अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से बना हुआ है जानते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है भारतीय संविधान के विकास का क्रम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग नाम क्यों रखते थे भैया क्योंकि वहां की संसद उस कानून को पारित करती थी इसलिए एक्ट और वो रेगुलेट करता था शासन व्यवस्था को वह अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को बताता था कि ऐसे रेगुलेट करो ऐसे कंट्रोल करो इसलिए वो रेगुलेटिंग कानून कहते थे अंग्रेज थे तो रेगुलेटिंग एक्ट कहते थे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की राजनीतिक सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में ले चुकी थी दरअसल व्यापार करने के लिए 1600 सो ईस्वी में भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से व्यापार के साथ ही राजनीतिक रूप भी धारण कर लेती है यह कहानी आप में से कई लोगों को थोड़ा और अजीब लग सकती है कि सर व्यापार करने के लिए और राजनीतिक कारण कैसे बन गया तो इसे ऐसे समझना एक और छोटी सी कहानी में बना रहा हूं मान लीजिए लाल लालयो मान लीजिए मैंने कंपनी खोली मधुकर कोटवे एंड कंपनी और मैंने यह कंपनी खोल ली युगांडा में युगांडा में मैं उनके साथ व्यापार करने लगा वहां के राजा वहां का जो भी राजा महाराजा अगर सिस्टम है तो राजा महाराजा को मैं गिफ्ट देता था वो मुझे व्यापार करने देता था अब राजा की मौत हो गई अब उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा पर उसके बेटे के और मेरी कंपनी के रिश्ते अच्छे नहीं थे तो मैंने वहां के जो सेनापति था उसको कहा कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा ये क्या राजा का बेटा राजा बनता है तुम भी राजा बन सकते हो, ने ने मेरा साथ दिया, राजा हो गया। मैं उसके शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगा उसको वो ठीक नहीं लगा तो मैंने उसको षड्यंत्र करके खत्म कर दिया अब युगांडा का शासन कंपनी के हाथ में मतलब मेरे हाथ में आ गया मोदी जी को पता चला कि मधुकर कोटवे नाम का कोई व्यक्ति युगांडा का शासन चला रहा है तो मोदी जी ने कहा कि इसको रेगुलेट करो नहीं तो ऐसा ना हो कि धीमे धीमे अफ्रीका पर कब्जा कर ले और बाद में मधुकर कोटवे भारत पर आ जाए हमला करने कहानी कुछ ऐसी है एक बार कमेंट्स कर देना या इशारा कर देना कि आपको कहानी समझ में आ गई कि वो व्यापार से व्यवस्था में कैसे बदलती है कहानी कुछ इनके साथ भी सेम ऐसी हुई है और ये फिर व्यवस्था में शामिल हो गए तो अब यहां पर इनको रेगुलेट करने की बात शुरू हुई यहां पर इनके रेगुलेशन की बात की शुरुआत होती है इस पृष्ठभूमि में ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब उस जमाने में ब्रिटिश संसद बन चुकी थी कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने और उसे व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाने के लिए सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया सत्रह तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होकर क्रमशः उन्नीस सौ सैतालीस के भारत शासन अधिनियम के रूप में समाप्त होता है और इस अवधि के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा विभिन्न कानून पारित किए जाते जो भारतीय संविधान के विकास का आधार तय करते हैं तो लड़ाई कहां से शुरू होगी लाल लाल सत्रह के कानून से शुरू होगी और उन्नीस भारत की आजादी के कानून पर खत्म होगी और फिर हमारे देश के बुद्ध जीवी लोग मिलकर एक सभा बनाएंगे वह सभा क्योंकि संविधान का निर्माण करेगी इसलिए उस सभा का नाम संविधान सभा रखा जाएगा और फिर दो वर्ष की मेहनत तीन वर्ष की मेहनत के बाद हमारे देश का संविधान निर्माण होगा तो इसे हम कहेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसे हम कहेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसे हम कहेंगे संविधान का विकास इसे हम कहेंगे संविधान का विकास और जब संविधान बन जाएगा तो हम उसके अंदर की खूबसूरतियों को पहचानेंगे कि संविधान में क्या क्या खूबसूरती है भाई उसे हम कह देंगे कि वो संविधान की क्या है विशेषताएं हैं जो आज की पूरी कक्षा में मैं आपके सामने रखने वाला हूं आज की इस पूरी कक्षा में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह एक्ट, चौरासी का चार्टर एक्ट सब रटा हो जाएगा घबरा म, घबराना नहीं सब याद हो जाएगा और हम आज क्लास में ही याद करेंगे कल की बात और घर पे पढ़ने की बात मैं भी जानता हूं कितना पढ़ सकते हैं पर आज हम क्लास में ही पढ़ेंगे क्लास में ही सारा जीवन यही पर याद करवा दिया जाएगा फिर 1793 के बाद 1813 1833 1853 20-20 सालों के गैप पर यहां से कहानी शुरू हो जाती है फिर 1858 और 1861 1858 1861 1892 और फिर 10-10 वर्षों के बाद 1909 1919 फिर 1939 की जगह 1935 और भारत की आजादी तो सब याद हो जाएगा अगर हम सिंपल सी बात करें तो सत्रह से लड़ाई जो शुरू होगी तो वो सत्रह की लड़ाई उन्नीस को खत्म होगी हमें इन सभी अधिनियमों में से ध्यान से सुनना हमें हमें इन सभी अधिनियमों में से सिर्फ उन्हीं बातों को पढ़ना और समझना है जिन्हें भारत के संविधान में अपनाया गया देखो इस कानून में बहुत सारी बातें आपको मिल सकती है पर हमें उन बातों पर ज्यादा गौर करना है हमें उन बातों को तैयार करना है जिसने हमारे संविधान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जगह बनाई तो हम पूरे कानूनों में उन पहलुओं पर उन बातों पर चर्चा करेंगे जो हमारे संविधान के निर्माण में भी योगदान निभाती है सत्रह तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट ये पहला कानून है सोचिए तो सही सोचिए तो सही कि मोदी सरकार पहला कानून बना रही है युगांडा में मेरी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो मैंने कहानी बनाई थी अब सोचो कि क्या मोदी जी को अनुभव है कि युगांडा के लोग कैसे हैं युगांडा में जनजातीय जीवन हो सकता है युगांडा के लोग धार्मिक हो सकते हैं युगांडा में जाति वर्गीकरण हो सकता है युगांडा का कैसा शासन चलाना ये मोदी जी को नहीं पता है पर फिर भी कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआती गलतियां होगी लेकिन जैसा सिस्टम यहां पर है ना कि भाई एक राज्य बना दो युगांडा को वहां पर एक गवर्नर डाल दो वहां पर एक मुख्यमंत्री डाल दो और वो चलाएगा युगांडा का शासन मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे बस कुछ महारानी भी यही करने की प्लानिंग में है तो सत्रह का वो कानून जो ब्रिटिश संसद उस क्षेत्र के लिए बना रही है ब्रिटिश संसद उस क्षेत्र के लिए बना रही है जिस क्षेत्र के बारे में उस संसद के पास कोई ज्ञान भी नहीं है भारत के बंगाल जैसे क्षेत्र को कंट्रोल करने की बात आ रही है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है हाँ लेकिन वह अपने तरीके से कानून बनाती है आइए देखते हैं उस संसद ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए कैसी व्यवस्था का शुभारंभ किया भारतीय संविधान के विकास के दृष्टिकोण से इस एक्ट में दो प्रमुख प्रावधान शामिल है एक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ध्यान से सुनना मेरी बात मैंने कहा ना कि मोदी जी कहेंगे कि एक गवर्नर बना दिया जाए वैसे महारानी ने कहा कि यहां बंगाल में शासन चलाने के लिए एक गवर्नर जनरल होगा जो महारानी तय करेगी तो गवर्नर जनरल बनाया गया एक गवर्नर जनरल जो तय करेगा मतलब राष्ट्रपति जैसा यही हमारे देश का राष्ट्रपति बना फिर मतलब सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट हमारे देश में पहली बार राजा की जगह पर राजा की जगह पर लाल लालियों गवर्नर जनरल की बात करता है राजा की जगह कहता है कि किसी को राजा मत बनाओ एक नया पद बनाया गया गवर्नर जनरल का एक नया पद बनाया गया गवर्नर जनरल का उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया पर आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात मेरे पास याद आ रही है 1773 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था पद था व्यक्ति नहीं पद उस पद को 1833 में कहा गया भारत का गवर्नर जनरल इसका मतलब 1833 में महारानी ने कहा कि अब तो भारत कब्जे में है हमारे तो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल ही 1833 के कानून में कहलाया जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल और 1833 का भारत का गवर्नर जनरल अठारह के कानून में वाइस राय कहलाया सर वाइस राय का अभिप्राय क्या है तो कहानी में ट्विस्ट कहा आया था सत्रह से पहले अप्रत्यक्ष रूप से संसद कानून बना बनाकर कंपनी को कहती थी कि ऐसे कानून चलाना है आपको पर अठारह से तो महारानी ने डायरेक्ट कहा कि अब भारत मेरा गुलाम है उपनिवेश है मतलब भारत डायरेक्टली अब कोई बीच में नहीं रहा तो कहा कि जो महोदय गवर्नर जनरल थे अब उनका पद हो गया का का मतलब डायरेक्टली महारानी से कनेक्टेड व्यक्ति और भारत की आजादी में इसी महोदय को हमने जब संविधान लागू किया 1950 में तो इन्हीं को सम्मानित किया इस पद से जिसे आज हम कहते हैं राष्ट्रपति तो क्या मेरे लाल लालियों के दिमाग में भी कहानी बन गई है कि ये राष्ट्रपति का जो पद आया वो पहला पद गवर्नर जनरल का था बंगाल का फिर पूरा शासन बढ़ता गया तो भारत का फिर डायरेक्टली उनके अंडर में आ गया तो वाइस राय और जब संविधान बना तो इसी व्यक्ति को नाम दिया हमारे संविधान निर्माताओं ने कि ये पद बना रहेगा राष्ट्रपति और ध्यान से सुनना सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई पहली बार सोचिए तो सही युगांडा के लोगों में सोचिए कि वहां का राजा न्याय करता था पर हमने कहा कि नहीं अब न्याय बनाने के लिए युगांडा में एक जगह रहेगी वहां एक कुर्सी पर आदमी बैठेगा और वह एक कानून के तहत नियमों के तहत न्याय करेगा पहली बार ही तो हुआ था इसलिए हम कहेंगे कि ये दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है 1773 में जो कानून बना था ब्रिटेन की संसद में उन्होंने कंपनी से कहा क्या कहा कंपनी से कि आपकी कंपनी में गवर्नर जनरल होगा जो भारत में शासन का काम देखेगा आप व्यापार का काम अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कर लेना लेकिन शासन चलाने की जिम्मेदारी इसकी है और इस क्षेत्र में अगर कोई भी ब्रिटेन का नागरिक या इस क्षेत्र में जहां पर आपका शासन है वहां पर आप निर्णय नहीं देंगे वहां एक कोर्ट बनाई जाएगी जहां किसी भी प्रकार के न्याय के लिए गुहार की जा सकती है यही से हमने सीखा सुप्रीम कोर्ट जैसा भी कोई कोर्ट बन सकता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया अठारह में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसी पद को वाइसराय का नाम दे दिया गया और स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने इसी वाइसराय के पद को राष्ट्रपति के नाम से अपना लिया और अनुच्छेद बावन में जोड़ा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा सत्रह के एक्ट बल्कि गवर्नर जनरल की सहायता हेतु चार सदस्यों वाली एक परिषद की भी व्यवस्था की गई अब जरा सभी नए बच्चे गौर से सुनना गवर्नर जनरल अकेला व्यक्ति इतनी बड़े शासन को चलाने में क्योंकि भाई बहुत बड़ा क्षेत्र है ना कोई सोसाइटी थोड़ी है कोई कॉलोनी थोड़ी है तो उनको शासन व्यवस्था को चलाने में मदद करने के लिए उनको चार मेंबर और दिए और उन चार मेंबर की टीम को कहा काउंसिल क्या कहा काउंसिल मतलब मंत्री परिषद मंत्री परिषद आज भी हमारे राष्ट्रपति महोदय को शासन चलाने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की समूह की प्राप्ति होती है जो राष्ट्रपति को शासन चलाने में मदद करती है यहां से ही मंत्रिपरिषद की कहानी संविधान निर्माताओं ने ली सीखी समझी व्यवस्था की गई जिसके संबंध में कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए एक काउंसिल होगी चार लोगों की समूह को काउंसिल कहते हैं जैसे कि एक व्यक्ति होता तो एक व्यक्ति कहलाता लेकिन वो मंत्री कहलाता लेकिन जब मंत्रियों के समूह होते तो उसको काउंसिल कहते मंत्री परिषद कहते हैं यही अवधारणा भारत के संविधान निर्माताओं ने भी भारत के संबंध में अपनाई और 1950 में लागू मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेख किया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा मंत्री परिषद होगा आंसर लिखने की शुरुआत कर लेना आज आज आंसर राइटिंग का शुभारंभ भी करेंगे सभी लाल लाली ध्यान से सुनते चलिएगा नोट्स ऐसे बनाना जैसे मैं समझा रहा हूं जैसे मैं समझा रहा हूं यदि दिक्कत आए तो एज इट इज बना देना नोट कोई घबराना नहीं अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि नहीं आज सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के भावी संविधान के लिए संसदीय शासन प्रणाली की नींव रख दी सर ये संसदीय शासन प्रणाली इसी को कहते हैं भाई संसदीय शासन प्रणाली जिसमें एक राष्ट्रपति होता है और उनकी सलाह के लिए मंत्री परिषद होता है इसी सिस्टम को इस दुनिया वालों ने संसदीय व्यवस्था का है अब मेरी बात नए बच्चे ध्यान से सुनना हमारे देश हमारे पृथ्वी पर यदि एक राष्ट्रपति हो और वो अपनी मर्जी से निर्णय न ले सके बल्कि मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करे तो उस व्यवस्था को हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं और जहां राष्ट्रपति सीधे निर्णय ले सके तो उसको राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था के नाम से जाना जाता है इसे बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस में जरा देखिएगा याद करिए कोई पड़ोसी याद करिए, आपके अड़ोस पड़ोस में रहता होगा जहां उसकी चलती होगी बस उसने जो कहा वही अंतिम उसने जो कहा वो किसी की सुनता नहीं है सलाह मशुरा कुछ नहीं है। मुझे जो लगता है वो मैं करता हूं फिर चाहे वो सिस्टम के खिलाफ हो धर्म के खिलाफ हो या फिर संविधान के खिलाफ हो तो समझ जाना राष्ट्र अध्यक्ष महोदय की बात चल रही है मतलब ज्यादा बड़ा डायलॉग हो गया अपने अड़ोस पड़ोस में याद करो किसी का परिवार शर्मा जी गुप्ता जी वर्मा जी पांडे जी दुबे जी फिर अलग अलग और भी होंगे तो इनको याद करो जरा और देखो कि किन की चलती है अगर एक व्यक्ति की चलती है तो राष्ट्र अध्यक्ष पर एक परिवार ऐसा याद करो अड़ोस पड़ोस में जहां सब लोग निर्णय लेते हैं चर्चा करते डिस्कस करते हैं और फिर बताते हैं निर्णय करने वाले को कि तुम्हें ऐसा करना है जो व्यक्ति हमें लग रहा है कि मुखिया है पर वो मुखिया नहीं है घर में से निर्णय आते हैं और फिर मुखिया निर्णय लेता है घर में से निर्णय आए और फिर वो घर का मुखिया सोचता है कि यह करना पड़ेगा तो समझ जाना कि संसदीय व्यवस्था है भाई वहां पर वहां क्या है संसदीय व्यवस्था है तो संसदीय व्यवस्था की नींव डाली सत्रह के कानून ने हम इसकी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का और उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया चार सदस्यों वाली वही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 और 74 में शामिल किया गया तो आज की इस कहानी का पहला पड़ाव आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ कि हमारे देश में संविधान में राष्ट्रपति कैसे पद लिया गया और हमारे देश का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार निर्णय लेता है यह हमने कहां से सीखा सत्रह तिहत्तर के कानून से अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई सत्रह तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था फिर दिल्ली में आया स्थापना की गई इससे भारत में लिखित कानून और निष्पक्ष न्याय पर आधारित पाश्चात न्याय की अवधारणा लागू हुई जरा इस पर गौर करना एक एक बात समझा रहा हूं भारत में लिखित कानून ऐसा क्यों लिखा हमने क्योंकि इसके पहले राजा महाराजा अपनी मर्जी से जिसको लगे वो सजा दे देते थे न्याय करते थे बाहुबली देखी होगी पार्ट टू तो जिसमें महाराज कहते हैं कि जो बोलते समय जिसकी जबान लड़खड़ा जाए समझ जाना कि वो झूठा है और उसकी उंगली नहीं गर्दन काटते हैं तो ऐसे भी राजा महाराजा हुआ करे करते होंगे जो ऐसे न्याय दे देते होंगे भाई हो सकता है वो डर कर डर के कारण काप रहा हूं ठीक है उस मूवी में उसको गलत दिखाया गया लेकिन कई लोग डर के कारण भी तो काप सकते हैं तो क्या झूठा साबित कर दिया जाए तो ऐसे गंदे लोग अपने दिमाग की धारणाओं को तय करते थे कि जो झूठ बोलेगा वो कापेगा भाई जो प्रतिदिन झूठ बोलेगा वो क्यों कापेगा तो वो निर्णय लेते थे पर हमने कहा कि यहां से नहीं शुरुआत हुई यहां लिखित कानून की शुरुआत हुई पहली बार हमें पता चला कि भाई कानून लिखे भी जा सकते हैं निष्पक्ष न्याय हमें पता चला कि न्याय करते समय हमें ना जाति देखनी है ना लिंग देखना है और ना ही किसी अन्य अमीरी गरीबी को देखना है न्याय निष्पक्ष होना चाहिए और यही से पाश्चात में जो न्याय उस दौर में चल रहा था वो भारत में भी आया तो सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट भले ही वहां की संसद यहां के क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए भेज रही थी लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान के इन चीजों का निर्माण कर रहा था अब आते हैं दूसरा कानून आया सत्रह सो पिट्स इंडिया एक्ट क्या कोई लाल लाली बता सकता है किस कानून में इस कानून में पिट्स नाम क्यों आया था कोई बता सकता है लाल लाली कि पिट्स नाम इस कानून में क्यों आया था रोजाना क्लास होगी अभी पिट्स नाम क्यों आया था बिल्कुल कमेंट्स करिएगा इस अधिनियम के द्वारा बंबई तथा मद्रास प्रांतों में बंगाल के गवर्नर जैसी व्यवस्था लागू की गई और इन दोनों प्रांतों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा इसका मतलब समझना इसके द्वारा अब इन्होंने क्या किया जो भारत में बंगाल की व्यवस्था थी अब उनके पास बंबई भी कब्जे में आ गया था और यह चेन्नई मतलब मद्रास वर्तमान का मुंबई उस समय का बॉम्बे वर्तमान का चेन्नई उस समय का मद्रास भी कब्जे में आ गया था तो इन्होंने यहां की शासन व्यवस्था के लिए एक और गवर्नर जनरल बना दिया था या एक और गवर्नर बना दिया था यहां पर भी गवर्नर बना दिया था और इनसे कहा कि तुम इसके कंट्रोल में रहोगे तो हमें पता चला कि अरे ऐसा भी होता है तब हमने कहा कि एक केंद्र की सरकार होगी और उसके कंट्रोल में सभी राज्य की सरकारें नियंत्रित रूप से काम करेगी तो हमने भी कहां से ये सीखा पिट से इंडिया एक्ट में बंगाल और मद्रास को भी एक गवर्नर का पद दिया गया और उस क्षेत्र के लिए कानून बनाना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई तो हमने भी कहा कि ऐसा ही एक केंद्र बनाएंगे जो कि दिल्ली है और बाकी पूरे राज्यों को वह केंद्र कंट्रोल करेगा वर्तमान में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण इसी अवधारणा से प्रेरणा प्राप्त करता है सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद पारित हुआ सत्रह के चार्टर एक्ट का भारतीय संवैधानिक विकास क्रम के दृष्टिकोण से कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है तो अब सत्रह हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे संविधान में उसके कारण कोई बदलाव नहीं आया यहां मैं आपको याद करने की ट्रिक्स सिखा रहा हूं यहां मैं आपको याद करने की ट्रिक सिखा रहा हूं सत्रह सो और सत्रह सो सत्रह सो तो अगर हम बात करें यहां पर तो आप देख सकते हैं सात आठ नौ तिहत्तर याद है सात आठ नौ और ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं ये कंफ्यूज रहते थे तो तीन चार तीन, तीन चार तीन सत्रह सो चौरासी सत्रह सो तिहत्तर सत्रह सो चौरासी सत्रह सो तिरानवे आपको पता होने चाहिए तीनों के नाम पहला नाम है रेगुलेटिंग दूसरा नाम है पिट्स इंडिया एक्ट और तीसरे का नाम चार्टर था क्योंकि अब यहां से बीस बीस वर्षों के लिए उन्हें व्यापार के अधिकार दिए जाएंगे जहां व्यापार की बातें आ जाती है वहां चार्टर शब्द आता है मेरे लाल लालियो तो सत्रह सो तिहत्तर सत्रह सो चौरासी सत्रह सो क्या तीनों आप लोगों को याद हो गए हैं सत्रह सो तिहत्तर रेगुलेटिंग क्योंकि पहला ही था तो रेगुलेट करेगा पिट्स क्योंकि प्रधानमंत्री थे उस समय में ब्रिटेन के और सत्रह सो जिसमें हम बातचीत करते हैं चार्टर की क्यों चार्टर शब्द उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद तुम्हें रटना नहीं है फिर तो मेरे लाल लाल इसके बाद तुम्हें रटना नहीं है बीस बीस साल जोड़ते चलना बीस बीस साल जोड़ते चलना तो अठारह फिर बीस साल जोड़ना अठारह फिर बीस साल जोड़ना अठारह और फिर सत्रह सो अठारह की क्रांति तो अठारह तक की कहानी याद हो जाएगी आपको फिर आपको अठारह तक की कहानी याद हो जाएगी फिर याद दिलाने की ट्रिक्स बता रहा हूं कहानी शुरू हो गई थी तो तिरानवे से अठारह सो तेरा अठारह सो तेरा से अठारह सो तैतीस अठारह सो तैतीस से अठारह सो तिरपन अठारह सो तिरपन से अठारह सो अठावन सॉरी अट्ठावन क्यों आ गया क्योंकि अठारह सो सत्तावन की क्रांति महारानी कहेगी कि इस कंपनी को साइड में करो अब पूरे भारत की शासन व्यवस्था मैं अपने कब्जे में लेती हूं अठारह सो तो की बात यहां पर आएगी क्या लाल लालियो कानून आज याद हुए कि नहीं अभी भी आज यही पर याद करना है नए पुराने सब सब यही पर याद रख लेना है पहला तिहत्तर दूसरा चौरासी तीसरा तिरानवे चौथा तेरा पांचवा थर्टी थ्री छठवा त्रेपन और सातवा अट्ठावन यहां तक की तो कहानी आप याद रख सकते हैं तो अब सत्रह हमें पढ़ना नहीं है आते हैं अठारह पर अठारह भी कहलाएगा चार्टर एक्ट क्योंकि फिर 20 साल के लिए यह कानून एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक भारत में लागू रहेगा तो लाल लालियो अठारह के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर भारत के व्यापार का मार्ग सभी के लिए खोल दिया ध्यान से सुनना आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये तो 1833 में हुआ था आप भी सही है मैं भी सही हूं नए विद्यार्थी अब धीमे धीमे वहां से रेगुलेशन चल रहा था तो धीमे धीमे ये ब्रिटेन वाले क्या सोच रहे थे ये सोच रहे थे कि धीमे धीमे इस कंपनी को साइड में करना है और भारत का शासन हमें अपने कब्जे में लेना है तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या था कि महारानी ने वादा किया था कि भारत में आपकी कंपनी जब जाएगी तो ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी भारतीय क्षेत्र में व्यापार करने नहीं जाएगी ऐसा उन्होंने अनुमति पत्र महारानी से प्राप्त किया था जब वो पहली बार भारत में एक कंपनी स्थापित करने के लिए आए थे पर महारानी ने वह निर्णय रिटर्न ले लिया संसद ने वह निर्णय ब्रिटेन की संसद ने वह रिटर्न लिया 1813 में और 1813 में कहा कि अब भारत में ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी व्यापार करने के लिए आ सकती है भारत के क्षेत्र का व्यापार खोल दिया गया पर दो जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी मोनोपोली दी गई मोनोपोली क्या होता है एकाधिकार एकाधिकार क्या होता है कि दूसरा कोई भी कंपनी उस जगह काम नहीं करेगी एक तो चाय का व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन पर व्यापार चाय और चीन पर जो व्यापार है उस पर अभी भी इकलौता अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था 1833 में वो भी छीन लिया जाएगा तो हमारे देश में अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरफा बात कही गई थी तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर भारत के व्यापार का मार्ग सभी के लिए खोल दिया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 भारत में निर्बाध रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया एक अधिकार को समाप्त कर दिया इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सदृढ़ कर दिया मजबूत कर दिया कि अब जहां पर कंपनी का जो क्षेत्र था अब वो रियल में कंपनी का नहीं रहा यहां इस पॉइंट को मैं आपको समझाना चाहूंगा लाल लाली जरा ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ये लाइन समझा रहा हूं मैं इस कानून से ये कैसे तय हुआ कि अब वो ब्रिटेन का क्षेत्र है क्योंकि अभी तक कंपनी का क्षेत्र मानकर उसका एक अधिकार बना हुआ था लेकिन रानी अब क्या कह रही है कि अब वो सभी ब्रिटेन वासियों के लिए व्यापार के लिए खोल दिया गया मतलब रानी ने कंपनी के मुंह पर एक तमाचा मार दिया और उस कंपनी से कहा कि तुम भ्रम में मत रहना कि ये तुम्हारा है अप्रत्यक्ष रूप से धीमे धीमे तुमसे छीन लूगी मैं तभी तो वह रानी या संसद इतनी दादागिरी करते हुए जिस कंपनी के भारत में शासन स्थापित कर रहे थे उसी कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी इसी को कहते हैं नमक हराम ब्रिटेनवासी ऐसे ही है मतलब वासी की मतलब कहूंगा मैं उस दौर के वर्तमान के हमें नहीं पता लेकिन उस दौर के तो ब्रिटेन कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया और यूपीएससी ने पूछा था कि कौन से कथन सही हैं तो हम कहेंगे पहला और दूसरा क्योंकि अभी राजस्व पर नियंत्रण तब आएगा जब अठारह की बात आएगी क्योंकि अभी भी कंपनी बीच में है इसलिए राजस्व की बात अभी नहीं आएगी तो पहला और दूसरा दोनों सही है लेकिन राजस्व की बात इसमें नहीं आती है यहां मैं एक छोटा सा ट्विस्ट बता रहा हूं सत्रह से लेकर तो 1813 तक इन लोगों ने हमारे भूभाग में किसी भी प्रकार से ईसाई धर्म प्रचारकों को नहीं भेजा ईसाई धर्म प्रचारकों को नहीं भेजा क्योंकि ये पहले सोच रहे थे कि पहले यहाँ के क्षेत्र के लोगों को समझ लेते हैं भाई जैसे मान लीजिए कि मोदी जी आरएसएस वालों को अभी नहीं भेजेंगे वो युगांडा पहले वहां के लोगों को समझ लेंगे और जब वहां के लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो हो सकता है आरएसएस वालों को युगांडा भेज दिया जाए वो मेरी कहानी याद करना मैं वहां कंपनी खोलने गया इनडायरेक्टली मुझे मोदी जी कंट्रोल करने लगे और वहां के पूरी शासन व्यवस्था अभी तक मैंने उस पर शासन किया था मैंने इतनी मेहनत की अब मोदी जी कहते हैं कि युगांडा में कोई भी व्यापार कर सकता है यदि भारत से कोई करना चाहे तो एक कहानी हम समझ रहे हैं ताकि चीजें समझती चली जाए तो रियलिटी में रियलिटी में यहां 1813 से यह तय हो गया था वास्तविक रूप में कि अब महारानी कभी भी ओवरटेक कर सकती है तो इन्होंने पादरियों को नहीं भेजा ईसाई धर्म प्रचारकों को नहीं भेजा लेकिन 1813 के कानून में यह आजादी दे दी कि अब ईसाई धर्म प्रचारक आ सकते हैं और यहां से भारत में धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन की भी कहानी शुरू होती है 1813 से अब आते हैं लाल लालयो 1833 का चार्टर एक्ट इसका नाम भी चार्टर एक्ट है और ऐसा इसलिए रखा गया है लाल लाल क्योंकि 20 साल की बात यहां पर भी है पर इसमें डायरेक्टली ईस्ट इस इंडिया कंपनी को अब केवल एक व्यापारिक कंपनी का कहने की बात रहेगी मतलब डायरेक्टली हटाया नहीं जाएगा अभी उसको बस एक हल्का फुल्का दिखावे के लिए कि ठीक है भाई तुम अभी भी कंपनी चला रहे हो शासन चला रहे हो लेकिन पूरी मोनोपोली खत्म पूरी चाय पर और चीन का व्यापार भी अब ब्रिटेन की कोई और भी कंपनी कर सकती है चीन के साथ भी और चाय के व्यापार में भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई मोनोपोली नहीं मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल कुछ साल तक शासन किया उसके बाद तो केवल नाम मात्र के रूप में वो भारत में शासन कर रहा था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल को सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी मामलों की सभी शक्तियां सौंपी गई राजस्व संबंधी मामलों की ताकत यही से आती है अर्थात कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई भारतीय संविधान का अनुच्छेद त्रेपन इसी प्रावधान से प्रेरणा ग्रहण करता है अनुच्छेद त्रेपन में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नीत होगी राष्ट्रपति संघ की रक्षा के बलों का सर्वोच्च होगा तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति को तीना, तीनों सैनिकों का प्रमुख माना जाता है वो हमने यही से सीखा क्योंकि 1833 के कानून में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि अब जो भी सैनिक असैनिक कार्रवाइया होगी वो सब कुछ गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग होगी और अब उस गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा यहां पर राजस्व की ताकत भी आ गई कि भारत से कितनी कमाई हो रही है भारत से कितना पैसा ब्रिटेन जा रहा है भारत का ब्रिटेन से कितना पैसा भारत आ रहा है पूरे पैसों के हिसाब किताब की ताकत उस भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में आ गई अठारह 1833 की कहानी है जिसके द्वारा भारत में अनुच्छेद त्रेपन बनाया गया संविधान का अठारह के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों के विरुद्ध धर्म वंश जाति और रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान किया गया संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 15 में इसी अवधारणा को ग्रहण किया गया अठारह सो में कहा गया कि अब किसी भारतीय के साथ धर्म के आधार पर जाति के आधार पर लिंग के आधार पर भेद नहीं होगा हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब मूल अधिकार दिए तो अनुच्छेद पंद्रह में कहा कि कभी भी कोई भी सरकार कोई भी शासन इन आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी तो अठारह सत्रह से हमने दो बातें सीखी कि एक गवर्नर जनरल बन सकता है मतलब राष्ट्रपति और उनकी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बारे में सत्रह के बात हमने नहीं सीखी 1813 से हमने देखा कि पूरे भारत में व्यापार के रास्ते सबके लिए खोल दिए जाए 1833 में हमने देखा कि किसी के साथ कोई भी धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और 1833 में उनकी जितनी मोनोपोली थी वो भी समाप्त हो गई 1833 में भारत के गवर्नर जनरल को कार्य करने की पूरी ताकत मिल गई सैनिक कार्रवाई असैनिक कार्रवाई तीनों सेनाओं का प्रमुख राजस्व की शक्ति सब कुछ गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आ गया अब आते हैं अठारह का चार्टर एक्ट इसे थोड़ा सा समझना बारीकी से इसे थोड़ा सा समझना बारीकी से ध्यान से सुनना जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लाल लाल अठारह का जब कानून आया तो कहा कि अगले 20 वर्ष के लिए है 1833 का कानून आया तो कहा कि अगले 20 वर्ष के लिए है अठारह के कानून में ऐसा कुछ भी नहीं कहा इसका मतलब कंपनी को समझ गया था कि अपने दिन पूरे हो गए अब जो शासन है वो सीधी महारानी चलाएगी और वो मौका मिल गया उन्हें अठारह के विद्रोह से तो अठारह के कानून में हमें क्या सीखना है यहां सिविल सेवा भर्ती की बात आने लगी सिविल सेवा भर्ती हमें पता चला कि ऐसी कोई परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है जिसमें देश के सबसे होनहार सिविल सर्वेंट का निर्माण किया जाएगा तो लाल लालियो अठारह के चार्टर एक्ट के द्वारा कानून संबंधी प्रस्तावों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी जरा ध्यान से देखना अठारह के चार्टर एक्ट के द्वारा कानून संबंधी प्रस्ताव पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी मेरे नए लाल लाली जरा ध्यान से सुनना मतलब जो मंत्री परिषद अब निर्णय लेगी मंत्री परिषद अब जो निर्णय लेगी उसमें गवर्नर जनरल की अनुमति होनी चाहिए अगर वो जनाब मना कर दे तो कुछ नहीं हो सकता है आज हमारे देश में कानून ऐसा ही तो बनता है हमारे देश में कानून लोकसभा से पारित होता है या राज्यसभा से पारित होता है फिर लोकसभा से पारित हुआ हो तो राज्यसभा में जाएगा राज्यसभा से पारित हुआ हो तो लोकसभा में जाएगा और वह कानून तब तक कानून नहीं बनेगा तब तक हम उसको विधेयक कहते हैं मेरे लाल लालियो तब तक हम उसको विधेयक कहते हैं तब तक हम उसको बिल कहते हैं अंग्रेजी में वह एक्ट बन जाता है वो कानून बन जाता है जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर लेते हैं तब जाकर वह कानून बनता है तो क्या आपको पता चला कि हमने कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य कर दी वो कहां से सीखा हमने अठारह के कानून में वर्णन किया गया कि अब गवर्नर जनरल की अनुमति कंपलसरी है उसके अनुमति के बगैर इस क्षेत्र में जो भी अलग अलग गवर्नर मद्रास का होगा या कहीं का भी होगा वह कानून नहीं माना जा सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बन सकता है वीटो पावर दी गई वीटो पावर वीटो पावर का मतलब अगर वो मना करे तो कानून नहीं बन सकता है नए लाल लाली वीटो का मतलब होता है सारी कायना था कहे और एक व्यक्ति ना कहे तब भी ना होगा इसे कहते वीटो पावर पूरा लोकसभा हा कह रहा है राज्यसभा हा कह रहा है लेकिन राष्ट्रपति मना कर रहा है तो उसे कहेंगे कि वो वीटो पावर उपयोग कर रहे हैं वीटो का मतलब कि जिसमें पूरी कायनात जैसे मतलब समझना छोटे बच्चे जिद नहीं करते थे बचपन याद करिए अपना वाला पूरे घर वाले कह रहे कि नहीं 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 लेकिन तुमने जिद पकड़ के रखी है इसका मतलब तुम बचपन में अपनी वीटो पावर उपयोग कर रहे थे तो जब सब कुछ हा हो और तुम ना कहो तो उसे कहते वीटो पावर वीटो पावर तो यही से सीखी हमने इस एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगी व्यवस्था का शुभारंभ किया गया मूलतः इसी से प्रेरित होकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 सिविल सेवाओं के संदर्भ में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी करता है इसी कानून से हमें पता चला कि एक खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षा होनी चाहिए और उसमें फिर हम ने तो राजा महाराजा क्या करते थे उनका दामाद सेनापति है उनका बेटा सेनापति है उनका नजदीकी सेनापति है या उनके नजदीकी लोग मंत्री है उनके नजदीकी लोग ही बड़े बड़े पद प्राप्त कर सकते थे एक आम नागरिक बड़ा पद प्राप्त नहीं कर सकता था पर इस कानून ने कहा कि एक आम नागरिक भी बड़ा पद प्राप्त करेगा जो उस कंपटीशन में बेहतर हो जाएगा उसे हम उस पद से नवाज देंगे तो ये खुली प्रतिस्पर्धा की बात भी यहां से आती है अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति नए लाल लाली ध्यान से सुनना हम भारत को कहते हैं कि हम 200 वर्षों की गुलामी में रहे तो एक्चुअली वो 200 तो अठारह से लेकर 1947 सौ साल ही होता है फिर ये 200 साल कैसे कह रहे हैं तो एक्चुअली सत्रह से लेकर अठारह के 100 साल उसमें जोड़े जाते हैं तो सत्रह से अठारह तक के जो 100 साल हैं वह पूरी तरह से कंपनी का शासन है यहां मुझे एक बात याद आती है क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या मुझे जरा बताना लाल लालयो क्या आपको भी ऐसा फील होता है इतिहास रिपीट होता है सत्रह में बंगाल के नवाब को धोखे से हराया था सिराजू को इन्होंने और उसको धोखे से हराकर सत्ता हथिया ली थी अठारह के विद्रोह के बाद महारानी ने भी इनके साथ कुछ ऐसा ही किया इनको कहा कि अब तुम निकलो यहां की शासन व्यवस्था हम चलाएंगे मैं कई बार देखता हूं कि भले ही भगवान के घर देर हैं लेकिन अंधेर नहीं है मुझे लगता है उसका उदाहरण यहां है कि जैसा उन्होंने बंगाल में बदमाशी करते हुए शासन प्राप्त किया था उनके साथ भी कुछ महारानी ने ऐसा ही किया और अठारह में अठारह में कानून पारित करके कंपनी की पूरी शासन व्यवस्था के अधिकार छीन लिए और कहा कि अब तुम केवल व्यापार करोगे एक नॉर्मल कंपनी के जैसा और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल एक कंपनी बन जाती है अब उसका और हमारे संविधान का कोई लेना देना नहीं रहेगा 1857 की क्रांति के बाद अठारह में महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की महारानी विक्टोरिया और मैंने इसकी कहानी बताई थी वर्ल्ड हिस्ट्री में आप में से कई लोग सोचते होंगे कि महारानी महारानी क्यों कह रहे हैं क्योंकि उसकी छोटी सी बात बता दा हूं मैं ये जो ब्रिटेन में महारानी थी ना जब इंग्लैंड की क्रांति हुई थी तो राजा भाग गया था उसका राजा भाग गया था उस राजा की बेटी को बुलाकर राजगद्दी पर बिठाया गया था किसको जो राजा भाग गया था उसकी बेटी को बुलाया गया था इसलिए बेटी के नाम पर शासन चलता था आज भी तो क्या आपको यह बात समझ में आई आज पहली बार कि हम बार बार महारानी क्यों कह रहे हैं वहां के महाराजा के बारे में क्यों नहीं क्योंकि वो दामाद है जमाई बापू है और दामाद लोगों पर ज्यादा ध्यान शासन व्यवस्था में नहीं दिया जाता है तो शायद ये बात भी पॉइंट रखनी चाहिए इस घोषणा पत्र में कुछ अहम बातें थी जिसने भारतीय संविधान की नींव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीयों के साथ स्वतंत्र व्यवहार होगा आर्टिकल १९ स्वतंत्रता का अधिकार भारत के प्राचीन रीति रिवाजों के पर तथा परंपराओं का संरक्षण किया जाएगा आर्टिकल २५ धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान भार, सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण दिया जाएगा सभी भारतीयों के लिए बराबरी का कानून होगा आर्टिकल चौदह कानून के समक्ष बिना किसी भेदभाव के योग्यता के अनुसार भारतीयों को सरकारी नौकरी मिलेगी आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति होगी हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो आर्टिकल चौदह है जो आर्टिकल 16 है जो आर्टिकल 19 है जो आर्टिकल 25 है वो कहीं ना कहीं अठारह की सीख है भेदभाव नहीं करेंगे समता का व्यवहार करेंगे ये सारी बातें संविधान के समय की रहेगी अब आते हैं अठारह का भारत सरकार अधिनियम इसके बाद अठारह का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को अंत किया गवर्नर जनरल को अब वाइस राय कहा जाने लगा मतलब वो बंगाल का गवर्नर जनरल फिर भारत का गवर्नर जनरल बना अब भारत का वाइस कहलाएगा वो तो हम अगर सिंपल सी बात कहे तो इस प्रकार सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट से अठारह के भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों को आधार प्रदान किया अब इस पर एक सवाल कैसा बन सकता है यहां पर सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट से अठारह के अधिनियमों ने भारतीय संविधान निर्माताओं को किन किन जगहों पर मदद की दृष्टि दिलाई प्रकाश डाला स्पष्ट कीजिए तो संक्षिप्त में मैं आपको एक रिवीजन कर दे रहा हूं भारत का राष्ट्रपति होगा कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होगी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी निष्पक्ष न्याय होगा विधि के समक्ष समता होगी धार्मिक स्वतंत्रता की बात आएगी धार्मिक स्वतंत्रता क्यों क्योंकि इन लोगों को लग गया था 1813 में इन्होंने पादरियों को बुलाया ईसाई धर्म का प्रचार हुआ लेकिन लेकिन जैसे जैसे ये धर्म में एंटर करने लगे लोग विद्रोह करने लगे इसलिए इन्होंने कहा कि हम धार्मिक स्वतंत्रता देंगे हमारे देश के संविधान निर्माताओं को ये बात समझ में आ गई थी कि हमारे देश के लोग एक बार वोट देने के लिए अस्पताल की सुविधा और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ध्यान नहीं देंगे लेकिन धर्म जरूर ध्यान देंगे इसलिए हमारे देश के निर्माताओं ने पंथ निरपेक्ष स्वतंत्रता की बात कही ठीक है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी लेकिन रियलिटी में हम आज भी कुछ ऐसा ही बिहेव करते हैं कई बार हम अच्छे लोगों को नहीं चुनते बल्कि उन लोगों को चुन लेते हैं जो केवल हमारी बिरादरी हमारे धर्म हमारी जाति से बिलोंग करते हैं और उसका परिणाम आज की महामारी में हमें दिख रहा होगा ठीक है कटाक्ष साइड में रखते हैं नई कहानी की शुरुआत करते हैं लाल लालियो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल ने भारत के संविधान निर्माताओं को पाश्चात जगत की उन आधुनिक अवधारणाओं से अवगत करा दिया जिन्होंने भारत की राजव्यवस्था को एक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने में भूमिका निभाई टिप्पणी कीजिए हमारी टीम जितने खूबसूरत सवाल बनाती है इसका आंसर राइटिंग करना शुरू करना। आप कहेंगे कि सर इसका आंसर राइटिंग कैसे करें? इधर गौर से सुनना इसका आंसर राइटिंग में करना क्या है भाई उस समय लोकतांत्रिक स्वरूप और जो आधुनिक अवधारणा है वो क्या थी न्याय न्याय समानता स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिपरिषद ये सभी चीजें हमारे लिए नई थी और हमने कहीं ना कहीं इन्हीं से सीखी है तो इसे 250 शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा अब आते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम अब यहां से भारत प्रति परिषद अधिनियम क्यों लिखे जा रहे हैं क्योंकि अब डायरेक्टली महारानी हमारे देश की शासन व्यवस्था को कंट्रोल कर रही है तो भारत परिषद मतलब इंडिया की काउंसिल इंडिया की काउंसिल को भेजा जाने वाला कानून तो इधर जरा गौर से सुनते चलना मैंने आपको याद करा दिया है सत्रह सो तिहत्तर सत्रह सो चौरासी सत्रह सो तिरानवे फिर बीस बीस सालों का गैप अठारह सो तेरा अठारह सो तैतीस अठारह सो अठारह सो अट्ठावन और फिर अठारह सो इकसठ क्योंकि अब कानून क्यों बनाना पड़ा अब महारानी के कंट्रोल में है भाई तो अब महारानी कहेगी कि अब तो मुझे आजादी मिल गई मतलब महारानी मतलब संसद वहां की कहेगी कि अब तो मुझे आजादी मिल गई है अब मैं इस देश की शासन व्यवस्था को देखो कैसे मजबूती देता ताकि अठारह ताकि सत्तावन जैसा विद्रोह ना हो तो अठारह का, का कानून तो आनंद फानन में कंपनी को हटाने के लिए उद्देश्य से लाया गया था लेकिन अठारह के कानून के माध्यम से उन्होंने भारत में शासन व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की और अब उनको सौ साल का अनुभव हो चुका है उन्हें पता है कि क्षेत्र की कानून व्यवस्था कैसे चलाई जा सकती है उन्हें यहां के लोगों के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है तो इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने 1861 का कानून थोड़ा लंबा चौड़ा पारित किया इस अधिनियम के माध्यम से वाइस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की ध्यान से सुनना जरा नए लाल लाली ये अध्यादेश क्या होता है भाई अध्यादेश अध्यक्ष का आदेश अध्यक्ष मतलब सबसे बड़ा पद मतलब राष्ट्रपति हमारे देश में कोई कानून बनाना है तो लोकसभा राज्यसभा फिर राष्ट्रपति तब जाकर तीनों लोग हा कहे तो कानून बनेगा लेकिन कोई इमरजेंसी आ जाए लोकसभा राज्यसभा से वोट उतना टाइम हमारे पास ना हो तो राष्ट्रपति को कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कानून बनाने की शक्ति दे देना एक व्यक्ति को शक्ति मिल जाना अध्यादेश कहलाता है तो 1861 में अध्यादेश की शक्ति दी गई मतलब वहां की संसद ने कहा वहां की संसद ने कहा कि भारत में कभी तुम्हें अगर परिस्थिति खराब लगे और तुम्हें लगे कि मुझे तत्काल निर्णय लेना पड़ेगा तो अध्यादेश तुम जारी कर सकते हो हमारे देश के संविधान निर्माताओं को भी महसूस हुआ कि हर दिन समान नहीं होते भाई कभी इमरजेंसी भी आ सकती है कभी कानून तत्काल भी बनाना पड़ सकता है तो अध्यादेश की शक्ति हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को सौंपी है जो छह महीने तक कानून लागू रहता है यदि के बाद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से वह फिर से गुजर करना चला जाए तो फिर डेढ़ महीनों में छह सप्ताह में वो कानून शून्य हो जाएगा पारित हो गया तो वो कानून बना रहता है मेरे लाल लाल तो अध्यादेश मतलब एक अकेला व्यक्ति तय कर देगा कि यह कानून बना दीजिए यह अकेला व्यक्ति तय करे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत और अनुच्छेद 213, 213 राज्य में जो गवर्नर होता है क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई नए विद्यार्थी याद रखना केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात आएगी राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बात आएगी तो राष्ट्रपति के पास वो ताकत 123 के रूप में है और राज्यपाल के पास वो ताकत 213 के तहत बिल्कुल सेम ताकत है पर यह उस राज्य में लागू होगा और यह पूरे भारत में लागू होगा तो हमने अध्यादेश वाली शक्ति वीटो वाली शक्ति 1833 से सीखी और वीटो मतलब सारी कायनात था कहे लेकिन तुम मना कर रहे हो और अध्यादेश मतलब तुम अकेले ही व्यक्ति तय कर रहे हो कि पूरे देश में कानून लागू कर दिया जाए 1861 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों के लिए विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया बड़ा अच्छा कानून है मतलब इसके माध्यम से क्या हुआ एक और चीज सीखना जरा ध्यान से अभी तक तो अभी तक तो कलकत्ता में ही जो मंत्री परिषद थी मंत्री परिषद केवल कहां पर थी कलकत्ता में थी बाकी मद्रास और बॉम्बे में केवल गवर्नर थे लेकिन अब इसके अलावा जितने भी प्रांत उस ईस्ट इंडिया कंपनी से हड़प लिए थे महारानी ने उन सभी प्रांतों में भी अब कहा गया कि हर एक की अपनी गवर्नर होंगे और उनको मदद करने के लिए मंत्री परिषद होगा मतलब अब राज्यों जैसी बात आ गई कि राज्यों में विधानसभा बनेगी कुछ ऐसी बात यहां पर प्रांतों में भी अनुमति दी गई कलकत्ता के अलावा तो यह हमने सीखा अठारह से प्रांतों को बहुत थोड़े विशेष विशेषकर स्थानीय विषय विशे से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करने का अधिकार दे दिया मतलब गवर्नर जनरल जो कि वाइस कहला रहा है अभी उससे उसने कहा होगा भाई इतना बड़ा शासन में अकेले नहीं चला पाऊंगा तो जो मद्रास प्रांत है जो बॉम्बे प्रांत है जो अन्य अवध वाले प्रांत है जो अन्य प्रांत हैं दिल्ली क्षेत्र हैं उन सभी जगह पर जो गवर्नर हैं उनको कहिए कि वहां आप थोड़े-थोड़े जो कानून है वो बना लिया करिएगा जो बड़े विषय होंगे वो मैं संभाल लूंगा शक्ति का बंटवारा शुरू होगा यहां से शक्ति का बंटवारा हल्का हल्का दिखाई देगा लेकिन वास्तविक रूप में शक्ति बंटवारा 1935 में आएगा तो 1861 के कानून में हमें यह चीज यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है फिर इसके बाद एक 1873 वाला जो कानून आता है वो इतना कोई काम का नहीं है सीधा अठारह वाला कानून हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत परिषद अधिनियम इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों पर सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग इधर गौर करेंगे अब लाल लाली फिर से अठारह सो बानवे यहां कहानी सुनना जरा कहानी सुनना ये वाइस अठारह के कानून में यहां पर ध्यान देना जरा अठारह के कानून में अध्यादेश की शक्ति दी गई थी हमारे देश में राष्ट्रपति को दी गई गवर्नर को राज्यपाल को दी गई अठारह के कानून में वाइसराय और उनकी मंत्री परिषद होती थी मान लीजिए ये दस लोग हैं मान लीजिए कि उस मंत्रिपरिषद में दस लोग हैं कल्पना कर रहा हूं मैं लाल लालियो बस वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है मैं आपको थोड़ा कहानी बताने की फिर कोशिश कर रहा हूं तीन तीन छह दो आठ और दो दस लोग हो गए दस लोग हो गए इस महोदय को कहा गया था कि वह हिसाब किताब देगा कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ जिसे बजट कहते थे तो अठारह से पहले क्या होता था कि ये महोदय बजट वाइस राय को दे देता था कि भाई इतना पैसा आया इतना पैसा गया ठीक है कहानी यहां तक ठीक है पर अठारह में इन्होंने कहा कि भाई जो तुम भेज रहे हो वो सही है या गलत है बाकी लोग सवाल पूछ सकते हैं बाकी लोग क्या कर सकते हैं इससे सवाल पूछ सकते हैं सर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब अब दो लोग हो गए समूह में अब एक कार्यपालिका हो गया और एक विधायिका हो गया मेरे लाल लाली और नए लाल लाली विधायिका वो पूरी भीड़ है जो संसद में लोकसभा में बैठती है राज्यसभा में बैठती है वो पूरी भीड़ विधायिका है और उस विधायिका में जिन लोगों को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है उन्हें कहते हैं कार्यपालिका और ये विधायिका के बाकी बचे लोग उससे सवाल पूछेंगे कि तुमने काम किया कि नहीं किया पैसा खर्च किया तो परिणाम आया कि नहीं आया ये कहा आपको दिखाई दे रहा है अठारह में पहली बार बजट पर बहस शुरू हुई बहस का मतलब ये ऐसे कोई झगड़ नहीं रहे वो चर्चा कर रहे हैं कि ये पैसा कहां से आया ये पैसा कहां गया इस पैसों को कैसे बढ़ाया जा सकता है अगले साल कैसे इनकम बढ़ाई जा सकती है हमारे जो, जो हमारा जो राजस्व है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है हम और मुनाफा कैसे प्राप्त कर सकते हैं अठारह के कानून से उस काउंसिल में सवाल जवाब करने की अनुमति मिली तब जाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ये सीखा कि इस तरीके से बहस होगी इस तरीके से कानूनों पर चर्चाएं होगी और इस तरीके से बजट पर बहस की जा सकेगी इसे कहेंगे कि जिम्मेदारी का एहसास होगा इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 बारह बजट संबंधी प्रावधान करता है जिसमें विधायिका के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते और उस पर नियंत्रण रखते हैं साथ ही विधान परिषद में प्रांतों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया उस समय जो प्रांत थे उस समय जो प्रांत थे मद्रास बॉम्बे जहां उन्हें कहा गया कि आप भी मंत्री परिषद बनाओ तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें जो लोग चुनेंगे वो कहां से लाए तो कहा कि मनोनीत कर लो तुम्हें कोई राजा महाराजा पढ़ा लिखा भारतीय मिल जाए तो उसको भी ले लेना तुम्हें अगर कोई अपना अंग्रेज अधिकारी अच्छा लगे तो उसको भी ले लेना अपनी मर्जी से जो तुम्हें लगे वो चुन लेना मेरी बात ध्यान से सुनना प्रांत के गवर्नर ने कहा कि मेरी जो परिषद है उस परिषद को उस परिषद में लोग कैसे आएंगे तो कानून ने कहा कि तुम्हें जिन्हें लगे उनको बुला लेना मनोनीत करने की बात आ गई मतलब हम कहे कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात आई जैसे राज्यसभा में भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है थोड़ा सा कठिन लगे तो घबराना नहीं अभी इसको रहने देना ये बात आपको फिर समझ में आएगी जब हम और आगे बढ़ेंगे अब आते हैं थोड़ा रिवीजन पर तो 1861 याद रखना है और अठारह याद रखना है 1861 और अठारह बस ये दो आपको के के ये कानून आपको याद रखने हैं अठारह के बाद मेरे लाल लालियो, अठारह के बाद केवल ये दो कानून आपको याद रखने हैं अब इधर गौर करेंगे सभी लाल लाली ध्यान से सुनते चलना 1909 बहुत अद्भुत अब इधर गौर करना थोड़ी कहानी समझना अठारह में कांग्रेस जैसी एक बड़ी संगठन की स्थापना होती है जो अपनी मांगों को बढ़ाने लग गया था लगातार वो कहता था कि भारत के लिए हम लोगों को भारतीय लोगों को निर्णय लेने का अधिकार दो तुम वहां पर जाते हो संसद ब्रिटेन में वहां से कानून लाते हो यहां लागू करते हो यही पर कानून बनाओ ना यही पर सारे कानून बनाने के अधिकार ले लो तब हम मजबूत हो रहे थे तब हमारी मजबूती को देखा इन्होंने जब बंगाल के विभाजन का इन्होंने निर्णय लिया तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पूरे भारत में इतना विरोध होगा ये डर गए थे जैसे उन्हें लगा कि अठारह जैसी क्रांति फिर ना हो जाए तो इन गरीबों ने क्या किया इन्होंने कमजोर कड़ी पकड़ ली हमारे देश की कि इस समय हिंदू और मुस्लिम एकजुट नहीं है जबकि पूरा पाकिस्तान वाला क्षेत्र बंगा बांग्लादेश वाला क्षेत्र वहां पर मुस्लिमों की अधिकता थी और इधर वाला जो भारत वाला क्षेत्र है यहां पंजाबी और हिंदुओं की अधिकता थी कहा कि ये एकजुट नहीं है तो क्यों ना इन्हें एकजुट कभी होने ना दिया जाए तब इन बदमाशों ने 1909 में एक अधिनियम पारित किया और जिसमें इन्होंने पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इस बात को सीखा कि यदि देश को एकजुट रखना है तो सांप्रदायिक निर्वाचन ठीक चीज नहीं है आइए जरा ध्यान से देखना लाल लाल सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट के संबंध में अपनी राय देने का अधिकार प्रदान किया गया इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि पहली बार वाइस राय की परिषद में कार्यपालिका में किसी भारतीय को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया यहां थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर दू देखो कार्यपालिका का मतलब हुआ कि वाइस राय जिन्हें कोई ना कोई काम सौंपेंगे मतलब वाइस राय उन्हें कोई ना कोई मंत्री बनाएंगे तो 1909 में पहली बार किसी भारतीय को पहली बार किसी भारतीय को मंत्री बनाया गया था लेकिन वाइस राय की परिषद का सदस्य तो बहुत पहले ही बना दिया गया था बहुत पहले ही बना दिया गया था 1861 के अधिनियम में ही 1861 के अधिनियम में ही तीन भारतीयों को जगह दे दी गई थी की परिषद में लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया किसी भारतीय को पहली बार एक मंत्री बनाया गया वो वाइसराय के वाइस राय के लिए कोई काम करेगा ऐसा 1909 के अधिनियम में क्लियर हुआ कि भाई आप किसी भारतीय को भी मंत्री बना सकते हो इसके पहले अठारह के अधिनियम के द्वारा विधायिका में भारतीयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया विधायिका मतलब कानून बनाने में क्योंकि अठारह की क्रांति के बाद इन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि इस क्षेत्र को जितना अभी हमने समझा है उतना पर्याप्त नहीं है तो क्यों ना इस क्षेत्र के जो लोग हमारे फेवर वाले हैं उनको हम अपने निर्णय में और यहां कैसी व्यवस्था होनी चाहिए उसमें शामिल कराएं तो इन्होंने परिषद में शामिल कराया अठारह में लेकिन एक जिम्मेदारी एक मंत्री जैसा पद भारतीय को पहली बार 1909 के अधिनियम में दिया जबकि 1909 के अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका में भी भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई 1909 के विधिनियम द्वारा विधायिका के साथ कार्यपालिका में भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई इस अधिनियम के द्वारा विधायिका के सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए कि वे न्यायालय में चल रहे किसी मामले पर सदन में बहस नहीं कर सकते यहां से हमने सीखा कि सुप्रीम कोर्ट जिस मामले पर बातचीत कर रहा होगा संसद में उन बातों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए वर्तमान में भारत की न्यायिक व्यवस्था में प्रावधान लागू है कि न्यायालय में लंबित किसी विषय पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती इस अधिनियम की सबसे हम बात सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किया जाना था सांप्रदायिक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन से तात्पर्य था कि किसी क्षेत्र के लिए मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा होगा और उसे सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मत देंगे ध्यान से सुनना ये रिजर्वेशन से थोड़ा अलग है जैसे आज के दौर में भी एस सी के लिए कुछ सीटें रिजर्व है हमारे देश में चुनाव के दौरान कई लोगों को लगता होगा फिर ये भी तो ऐसा ही नहीं ऐसा नहीं है उसमें और इसमें बहुत अंतर है यहाँ है भाई पर रिजर्व सीट भले ही होती तो जो चुनाव में लड़ने वाले या कैटेगरी के, के लोग होते हैं पर उसे मतदान करने में जनरल कैटेगरी का लोग भी वोट डालते हैं लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब है कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ही उतरेगा और वह कैंडिडेट जीतेगा हारेगा इसका निर्णय मुस्लिम आबादी ही करेगी ऐसा सांप्रदायिक निर्वाचन इन्होंने 1909 में लागू किया फूट डालो राज करो की नीति के तहत भारतीय संविधान निर्माताओं ने फूट डालो प्रणाली को लागू किया कि धर्म के आधार पर जाति के आधार पर वंश के आधार पर मतदान करते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा 1909 सौ 2003 का प्रश्न देखना सफेद बैकग्राउंड में जो प्रश्न है वो यूपीएससी में आए हुए प्रश्न है 1909 के सुधारों ने भारत के निर्वाचन तंत्र के प्रत्येक संशोधन पर एक मूलभूत समस्या और विवाद का आधार समाविष्ट कर दिया था टिप्पणी कीजिए और वो था सांप्रदायिक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन का शुभारंभ कर दिया था इन्होंने इस पॉइंट को जरा लिखने की कोशिश करनी है क्या समझना है मैं आंसर राइटिंग में फिर आपकी थोड़ी सी मदद कर दे रहा हूं और आपको बता देता हूं कि ऐसी जगह पर आंसर राइटिंग कैसे की जा सकती है आइए जरा देखिएगा किस तरीके से अगर आप इसमें आंसर लिखना चाहते हैं तो आप इसमें कैसे आंसर लिख सकते हैं इधर गौर करेंगे सभी लोग देखो भाई आप लोगों को मान लो इस सवाल का आंसर लिखना है लाइव आंसर सिखा रहा हूं 1909 के सुधारों ने भारत के निर्वाचन तंत्र के प्रत्येक संशोधन पर एक मूलभूत समस्या और विवाद का आधार समाविष्ट कर दिया था टिप्पणी की है करनी है तो की पॉइंट की पॉइंट क्या है सर इसमें की पॉइंट टिप्पणी करना है टिप्पणी का मतलब कमेंट्स करने हैं इस बात पर और कीवर्ड क्या है भाई इसमें कीवर्ड कीवर्ड क्या है सर 1909 का निर्वाचन तंत्र लिखना है 1909 का 1909 का भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार मार्ले साहब सचिव थे और मिंटो साहब वाइस राय थे सचिव का मतलब समझना ब्रिटेन की संसद का एक मंत्री था जो भारत के लिए निर्णय लेता था और मिंटो का मतलब हुआ कि वो यहां पर भारत में मार्ले के आदेशों का पालन करते थे तो मार्ले और मिंटो इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्ले सचिव थे और मिंटो भारत के वाइस राय थे जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उन्नीस और उन्नीस वाले में क्योंकि उन्नीस सौ नौ में पार्लियमेंटो है उन्नीस सौ में मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड है तो मैंने इसे ऐसे याद रखा था भाई कि उन्नीस छोटा सा है मतलब पहला वर्ष है तो छोटा नाम होगा 1919 बड़ा है ना भाई 1909 से बड़ा डिजिट है तो बड़ा नाम होगा मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड तो इस सुधार में क्या किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन को डाला गया इसलिए इस कानून को सांप्रदायिक अवार्ड भी नाम दिया जाता है सांप्रदायिक अवार्ड भी नाम दिया जाता है इसके तहत पहली बार भारत में निर्वाचन के लिए यदि कोई उम्मीदवार उतरता है तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम मुस्लिम लोग ही निर्वाचित करने के लिए तय किए गए थे इससे भारत में फूट डालो राज करो की नीति प्रारंभ होती है और इसके कारण पूरे भारत में अब कई प्रकार के निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग भी उठती है इसी के साथ भारत में कहीं ना कहीं इस निर्वाचन पद्धति से विवा, विवादों का जन्म भी होता है कांग्रेस मानती नहीं थी पर मुस्लिम लीग तो लगातार इसके माध्यम से बढ़त बनाए हुए थी तो आंसर आपको इस तरीके से लिखना चाहिए की पॉइंट दिमाग में आना चाहिए आना चाहिए और फिर लिखना शुरू कर देना चाहिए 2007 में आया है कि अठारह और 1909 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख लक्षण लिख दीजिए एज इट इज ये तो घटिया सवाल है जो लिखवाया जो समझाया गया वही समझा देना पूरा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित अभी हमारी टीम ने बनाया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग हमारे संविधान निर्माताओं ने भेद नहीं किया जाति धर्म किसी भी आधार पर सीधा लिखा हम भारत के लोग मतलब सबको एकजुट लेकर बात कही है क्योंकि फूट डालो राज करो से वो बचना चाहते थे अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से सीखा गया एक सबक प्रतीत होता है टिप्पणी कीजिए तो आपको यहाँ कैसे लिखना चाहिए था 1909 के कानून ने 1919 के कानून ने भारत को जिस तरीके से कई धर्मों में बांटने का प्रयास हुआ और उसके बाद फिर हमें भारत के एकीकरण में जिस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ बहुत बड़ा कतले आम हुआ इसी का परिणाम है कि हमने अपने संविधान में लिखा हम भारत के लोग भारत के लोग फिर वो किसी धर्म जाति या वंश के आधार पर वर्गीकृत नहीं किए गए 1919 का भारत शासन अधिनियम इस अधिनियम ने पहली बार भारत में दोहरे शासन और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया सभी लोग ध्यान से सुनना अगर सवाल आ जाए ऑब्जेक्टिव में प्रत्यक्ष निर्वाचन उन्नीस उन्नीस में जो उस कानून के बाद जो चुनाव होंगे उसमें चुनी गई सरकार की बात आएगी अब मतलब अब राज्यों में चुनाव होने लग गए थे प्रांतों में चुनाव होने लग गए थे हाँ लेकिन मतदान डालने का अधिकार सबको नहीं था कुछ लोगों को था जो या तो आर्थिक रूप से मजबूत थे या तो सामाजिक रूप से मजबूत थे या तो राजा महाराजा थे या इस प्रकार की कोई चीज उनके अंदर थी लेकिन ऑब्जेक्टिव सवालों में याद रखना कि भारत में पहली बार निर्वाचन की बात 1919 में आती है मेरे लाल लालयू इस अधिनियम ने पहली बार भारत में दोहरे शासन और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया दोहरा शासन समझा रहा हूं मैं लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया यद्यपि अधिकार निष्पक्ष रूप से ना होकर शिक्षा संपत्ति और कर के आधार पर दिया गया था प्रत्यक्ष निर्वाचन की इस व्यवस्था के द्वारा प्रांतों में आंशिक ही सही लेकिन एक कम उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रारंभ हुआ सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कम उत्तरदायी तो उसका कारण है उसका कारण है उसका कारण है मेरे लाल लालियों, ध्यान से सुनना जरा ये भारत भारत में बॉम्बे प्रांत में सरकार बनी भाई उन्होंने सरकार बनाई और अधिकार दिया मतदान करने का मतदान किया लोगों ने लोगों ने चुना और उस प्रांत में एक सरकार बनी लेकिन इस बदमाश ब्रिटिश सरकार ने उस चुनी हुई सरकार को पूरे अधिकार नहीं दिए केवल कुछ कानून या कुछ अधिकार दिए कि देखना तुम साफ सफाई का ध्यान रखना तुम देखना कि अस्पताल है या नहीं है शिक्षा है या नहीं है लेकिन बाकी बड़ी बातें पैसों का हिसाब किताब अभी भी गवर्नर के हाथ में था तो इन्होंने जो प्रांत के शासन व्यवस्था थी वहां दो प्रकार के विषय रखे एक विषय को नाम दिया आरक्षित रिजर्व रिजर्व सब्जेक्ट जो गवर्नर तय करेगा और एक सब्जेक्ट का नाम दिया हस्तांतरित और इसीलिए प्रांतों की इस व्यवस्था का नाम दिया गया दोहरी शासन व्यवस्था 1919 का अधिनियम हमारे प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था इतने झगड़े हुए थे ना इस व्यवस्था के कारण कि 1935 के अधिनियम में सबसे पहले इसको खत्म किया इन लोगों ने कहा कि इससे कोई सरकार चल नहीं पाती है संविधान निर्माताओं के पास दो विकल्प थे कि क्या वह कुछ विषय मुख्यमंत्री को और कुछ विषय गवर्नर को दे कि 1935 के सीख से वो सीखे कि नहीं पूरे विषय मुख्यमंत्री को दे दे अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात आपको मैं इशारा कर रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए वर्तमान में जो दिल्ली दिल्ली और पदुचेरी है ना दिल्ली और पदुचेरी जो राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उनकी विधानसभा है बस आपको भी अनुभव आ जाएगा मेरी इस बात से लाल लालियो वर्तमान में जो दिल्ली की सिचुएशन है कुछ ऐसी ही सिचुएशन इन महोदय ने 1919 में की थी ठीक इतिहास फिर रिपीट हो रहा है आजादी से पहले 1919 के अधिनियम से प्रांतों में कुछ ऐसी ही बात की गई थी हस्तांतरित विषय आरक्षित विषय आज दिल्ली में कुछ ऐसी ही बात है आज दिल्ली में कुछ विषय मुख्यमंत्री के पास हैं और कुछ विषय उपराज्यपाल के पास है इसलिए झगड़े ज्यादा है दिल्ली के केंद्र सरकार से बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने सीख लिया था इससे झगड़े होंगे और इसलिए संविधान निर्माताओं ने गवर्नर को कोई ताकत दी ही नहीं राज्यों में क्या ये कहानी आप लोग जोड़ पा रहे हैं और आपको भी कनेक्टिविटी समझ में आ रही है कि अरे अब पता चला कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम तो ये 1919 का जो दोहरा शासन प्रांतों में लागू किया गया था कुछ विषय गवर्नर के पास रखे कुछ विषय चुनी हुई सरकार के पास रखे और इसलिए इसे कहा कि ये आंशिक उत्तरदायी सरकार है दोहरा शासन केंद्र तथा प्रांतों के संबंध में कानून बनाने के विषय का अधिक स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया गया प्रांतों को और ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई और उन पर केंद्रीय नियंत्रण थोड़ा कम कर दिया गया प्रांतों को जो विषय प्रदान किए गए उन्हें पुनः हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय दो भागों में बांटा गया हस्तांतरित विषय का शासन वर्तमान का राज्यपाल के हाथों में होता था गवर्नर इन विषयों पर अपनी परिषद विधायिका की सहायता से नियम बनाता था मतलब गवर्नर विधायिका जैसे कहेगी चुनी हुई सरकार जैसे कहेगी वैसे कानून बनाता था हस्तांतर पर लेकिन जो आरक्षित विषय के संबंध में शक्तियां तो गवर्नर के पास ही थी किंतु इस विषय पर वह अपनी कार्यपालिका की सहायता के बिना सहायता के बिना सहायता के बिना नियम बनाता था प्रांतीय शासन की दोहरी व्यवस्था को द्वेद शासन कहते हैं द्वेद शासन कहते हैं इस अधिनियम के द्वारा सिखों भारतीय ईसाइयों आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का विस्तार कर दिया भाई आंग्ल भारतीय कौन ऐसे लोग जो हाइब्रिड है ऐसे लोग जिनके नाना नानी दादा दादी में से कोई भी अंग्रेज रहा होगा तो इन लोगों ने क्या किया भाई 1909 में जो केवल हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन था उसे 1919 में सिखों के लिए आंग्ल भारतीयों के लिए ईसाइयों के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए या यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन कर दिया और इसी के बेस पर हमने इस पूरी बातों को समझ लिया कि हमें ऐसा नहीं करना है 1919 के अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया जिसे वर्तमान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं जो आयोग आज परीक्षा ले रहा है वो 1919 के अधिनियम से आया था और 1926 में उसकी स्थापना हुई थी मतलब यूपीएससी को भी पंचानवे साल हो गए सर आपने तो अभी बताया था वो अठारह में परीक्षा की बात हुई थी कि अठारह में खुली परीक्षा आयोजित होगी पर वो लंदन में होती थी भारत में परीक्षा आयोजित करना और भारत में पूरी तरह से सारी बातें होने के लिए एक आयोग बनाना पड़ता है वो आयोग 1919 के अधिनियम से आया 1926 में स्थापना हुई इस अधिनियम के द्वारा पहली बार राज्यों का बजट केंद्र से अलग किया गया 1919 का अधिनियम दोहरे शासन के लिए जाना जाता है 1919 का अधिनियम चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया 1919 के अधिनियम में बजट को अलग किया गया केंद्र का बजट अलग होगा संघ का बजट अलग होगा और राज्यों का बजट अलग होगा अब राज्य विधानमंडल अपने राज्य के संबंध में बजट पास कर सकते थे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 से 207 राज्य विधानमंडल को अपने राज्य के संबंध में बजट बनाने और पारित करने संबंधी प्रावधान उपलब्ध कराता है 2005 का सवाल देखना यूपीएससी ने पूछा था मॉन्टेंगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को न केवल बनाए रखा बल्कि बड़ी मात्रा में बढ़ा भी दिया कमेंट्स करना है तो आप बता सकते हैं कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में जहां केवल हिंदू मुस्लिम निर्वाचन की बात हुई थी 1919 में वह सिखों के लिए ईसाइयों के लिए आंग्ल भारतीयों के लिए यूरोपियों के लिए विस्तार कर दिया गया एक्सप्लेन करते चलिएगा इसी में अब ध्यान से सुनते चलना Montague, प्रस्ताव किससे संबंधित थे अगर हम बात करें तो हमारा संवैधानिक सुधार चल रहा है भाई अभी उन्नीस अब जरा सभी लोग रुक जाना 1935 सबसे लंबा अधिनियम था अभी तक पारित सभी कानून जो लंदन या ब्रिटेन की संसद से आ रहे थे उसमें सबसे बड़ा कानून था और इसने कुछ ऐसी बातें भारत के लिए सौंप दी कि अब भारत उससे आगे ही सोच सकता था पीछे नहीं जा सकता था लाल लाल भारत अब पीछे नहीं जा सकता था ध्यान से सुनना इस कानून के बारे में कई बार सवाल पूछे भी जाते हैं डायरेक्टली अभी थकना नहीं है लाल लाल कैसे थक जाते हो आप में से कई सारे लोग थक गए खाना खाने चले गए अरे भाई कभी कभी तो मौका होता है दो ढाई घंटे जिंदगी बिताने का तीन घंटे की जिंदगी लेकिन आप सोचिए यूनिट वन सीधा फिफ्टी परसेंट कंप्लीट तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब तो मैं तैयारी कर सकता हूं जो नए विद्यार्थी है वो लगातार बने रहेंगे मेरा मनोबल बना रहेगा मैं ऊर्जावान होकर आगे बढ़ता चलूंगा तो निरंतर आगे बढ़ने के लिए आपको यही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा यही तो वो समय है जिसे हम कहेंगे सिलेक्शन के बाद कि मैंने मेहनत की थी आप लोग सिलेक्शन के बाद यही तो दोहराएंगे इसलिए बड़े मजे के साथ अभी 1935 को सीखना है सबसे लंबा अधिनियम था यह और इसके अंदर बहुत सारी अद्भुत रहस्य थे इस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है ऑब्जेक्टिव सवाल है सीधा सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में अगर कहीं पर पड़ा है हमारे संविधान में सबसे ज्यादा चीजें कहीं से ली गई हैं तो वो 1935 का अधिनियम है भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं वस्तुतः भारत शासन अधिनियम 1935 अब शासन अधिनियम कह रहे हैं शासन अधिनियम कह रहे हैं भारतीय संविधानिक विकास के इतिहास उन मूलभूत बिंदु अथवा आधारों को स्थापित कर दिया जिन्हें भविष्य में समाप्त अथवा परिवर्तित करना कानून निर्माताओं के लिए अत्याधिक कठिन था इस लाइन को मैं दो बार रिपीट करूंगा भी 1935 में भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में उन मूलभूत बिंदुओं अथवा आधारों को स्थापित कर दिया जोड़ दिया जिसने भविष्य में समाप्त अथवा परिवर्तित करना कानून निर्माताओं के लिए अत्याधिक कठिन था ऐसा क्या कर दिया था 1935 में कि हम वापस नहीं जा सकते थे पहली बार अखिल भारत की बात हुई भाई सोचिए सोचिए तो सही पूरा वापस चलते इतिहास में हमारे अलग अलग राजा हुआ करते थे अलग अलग राजाओं के बाद फिर कोई महाराजा बनता था अकबर के जमाने अशोक के जमाने की हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल की बात करते हैं उस जमाने में भी अखिल भारत की बात नहीं की गई थी पहली बार इस कानून में अखिल भारत शब्द उपयोग किया गया इसका मतलब अब पूरा भारतीय भूभाग एक रूप में काउंट हुआ अब तो हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा मंच खुल गया कि जब हम आजाद होंगे तो टुकड़ों में आजाद नहीं होंगे अखिल भारतीय रूप में आजाद होंगे पूरा एक भारत बनाएंगे यही से पूरे भारत का ख्वाब देखा जाने लगा अखिल भारतीय संघ शक्ति का विभाजन बहुत स्पष्ट रूप से राज्य को शक्तियां दी गई केंद्र को शक्तियां दी गई ताकि झगड़े ना हो और अगर हम इस विभाजन को वापस नहीं करते और संविधान निर्माताओं ने इस विभाजन को नहीं किया होता तो आज जैसे दिल्ली में प्रॉब्लम है शायद आज हर राज्य में और केंद्र में प्रॉब्लम हो जाती पर हमने एक अद्भुत सा चीज 1935 से सीखी कि लिखित रूप में शक्तियों का बंटवारा और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को पहचान भी लिया प्रांतों में द्वेद शासन की समाप्ति क्योंकि अब हमें पता चल गया झगड़े होते हैं वैसे तो अभी भी झगड़े चल रहे दिल्ली में तो हमें पता चल गया है कि द्वेद शासन ठीक नहीं है प्रांतों में और प्रांत में उत्तरदायी सरकार मतलब उस प्रांत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो पूरी तरह से एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो मतदान मतदान से चुनी गई हो और उसमें मताधिकार के आधार पर किया गया हो और उसे पूरी शक्तियां दे दीजिए निर्णय लेने की इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया पहली बार किसी कानून में अखिल भारतीय संघ ध्यान से सुनना मेरे लाल लालियों देखो हमारे लिए पहले संघ जैसा शब्द इतना लोकतांत्रिक रूप में नहीं था संघ हमने सीखा कि भारत भी एक संघ बन सकता है जैसे मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात जो ब्रिटेन है ना ब्रिटेन उसे हम यूके लिखते हैं यूनाइटेड किंगडम क्योंकि कभी गौर से देखना उसके जो द्वीप समूह है उस द्वीप समूह में यहां पर एक वेल्स राज्य है यहां स्कॉटलैंड है और ये इंग्लैंड है इंग्लैंड इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स और ये नॉर्थ आयरलैंड है ऐसे चार राज्यों से मिलकर वो बना है अमेरिका जो है वो पचास राज्यों से मिलकर बना है तो वो भी एक संघ है तो वैसे हम भारत वाले भी अब एक संघ बनाएंगे जिसमें भारत के कई अलग अलग राज्य मिलकर पूरा एक भारत का निर्माण करेंगे यहां से हमें पता चला केंद्र को संघ की तरह स्वीकार किया तथा तो देशी रियासत और प्रांतों को संघ की इकाई माना गया ठीक है 1935 के अधिनियम में राजाओं को खुश करने के लिए वहां की संसद ने कहा कि राजाओं का मन ऐसा उन्नीस सौ पैंतीस में तो तो इन्हें कहा गया क्योंकि राजाओं को नाराज नहीं करना चाहते थे प्रांत प्रांत मतलब जो ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में था प्रांतों को संघ में शामिल होना पड़ेगा जिस भारत अखिल भारत संघ की बात हुई किंतु देसी रियासत के लिए अनिवार्य नहीं था यह देसी रियासत की इच्छा पर छोड़ दिया गया कि वे खुद को संघ में शामिल करें अथवा नहीं हालांकि इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया जबकि संविधान जब संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उन्होंने 1935 के अखिल भारतीय संघ के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया इस व्यवस्था में केंद्र सरकार को संघ तथा तो राज्यों को संघ की इकाई के रूप में घोषित किया गया कि ये जो केंद्र है वह राज्यों का संघ से मिलकर बनी हुई सरकार रहेगी भारतीय संविधान का अनुच्छेद इसी व्यवस्था पर आधारित है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया ताकि संघीय व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जा सके देखना दो हजार सॉरी पंद्रह नंबर में आप ढाई सौ शब्दों में लिखिएगा भारतीय संविधान की वर्तमान संघीय व्यवस्था ब्रिटिश काल के कटु अनुभव से मिली एक सीख थी जिसमें हम सांप्रदायिक निर्वाचन जिसमें हम फूट डालो राज करो की नीति 1935 में राजा महाराजाओं को छूट देना और उन्नीस में सभी राजाओं को एकीकृत करने में हमें कितनी मेहनत लगी है उससे हम इसको जोड़कर बताएंगे शक्तियों का विभाजन इस अधिनियम के द्वारा लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया शक्तियों के विभाजन के संबंध में तीन सूचिया संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची का निर्माण किया गया अवशिष्ट शक्तियां को सौंपी गई यहां एक छोटी सी बात सभी लाल लाली ध्यान पूर्वक सुनना 1919 में जो मॉन्टेंगू चेन्सपोर्ट था प्रांतों में द्वेद शासन था 1935 में प्रांतों का द्वेद शासन खम समाप्त कर दिया लेकिन केंद्र में द्वेत शासन आ गया था वाइसराय को कुछ शक्तियां दी गई और उनकी मंत्री परिषद को कुछ शक्तियां दी गई झगड़े हुए थे उसमें भी इसलिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ और जब संविधान निर्माण की बात आई तो हमने राष्ट्रपति को कोई ताकत ही नहीं दी तो क्या आपको आज अनुभव हुआ जैसे आप में से कई लोग कहते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति तो रबर स्टाम्प है भाई अगर रबर स्टाम्प ना हो और वह भी एक शक्तिशाली पद हो जाए तो झगड़े होंगे हमने राष्ट्रपति का पद इसलिए बना के रखा है कि जब प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होगा वो समाप्त हो जाए या फिर मंत्री परिषद का इस्तीफा आ जाए या सरकार गिर जाए तो उस समय देश को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए तो हमने उसे केवल प्रति प्रतिकूल परिस्थितियां इमरजेंसी के लिए बना के रखे हुए पद हैं इसीलिए 1935 में द्वैध शासन रहा पर कहा प्रांत में नहीं केंद्र में भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची शक्ति विभाजन से संबंधित है संघ सूची पर संसद राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 246 के तहत हमारे देश में जोड़ा गया अवशिष्ट शक्तियां संसद को सौंपी गई जो कि पहले वाइस राय को दी गई थी 1935 में हमने आज़ादी के बाद वाइस राय को मतलब राष्ट्रपति को कोई शक्तियां नहीं दी वो अवशिष्ट शक्तियां हमने केंद्र को दी हमने केंद्र को मजबूत किया क्योंकि हम जानते थे क्योंकि जो राज्य जुड़े थे वो राज्य कभी भी विद्रोह कर सकते थे तो केंद्र को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हमने केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी थी क्योंकि हमें अनुभव आया था कि राज्यों को भारत में जोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी तो 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल या वाइस राय शब्द कहेंगे तो ज्यादा सही है वाइस राय कही गवर्नर जनरल मत कहिएगा हाँ लेकिन हमारे जब आजाद हुआ था भारत उसके बाद हमने केंद्र को दी थी भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से सॉरी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में शुरू द्वेद शासन को इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया जबकि केंद्र में द्वेत शासन की प्रणाली का प्रारंभ कर दिया गया केंद्र में वाइस राय और मंत्रिपरिषद शक्तियों में आए जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो प्रांतों के संबंध में संविधान निर्माताओं के समक्ष दो विकल्प थे पहला विकल्प 1919 के अधिनियम का था जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन को अपनाया जा सकता था और दूसरा विकल्प 1935 के अधिनियम का था जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था इस संबंध में भारतीय संविधान निर्माताओं ने 1935 के विकल्प को अपनाना श्रेष्ठ समझा क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन को अपनाने से जटिलता आ जाती थी इसके अलावा भारत एक नया-नया स्वतंत्र हुआ देश था जिसके अधिकांश जनता अशिक्षित थी वह इस जटिल प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने की स्थिति में नहीं थी आज भी हमारे देश में जनता समझ नहीं पाती चीजों को 1919 और 19, 1935 के अधिनियम ने द्वेश शासन के संबंध में भारतीय संविधान निर्माताओं को दोहरे विकल्प उपलब्ध कराए थे एक तो दिल्ली जैसा सिचुएशन कुछ विषय गवर्नर के पास कुछ विषय मंत्री मुख्यमंत्री के पास और एक 1935, जिसमें पूरी ताकत केवल और केवल मुख्यमंत्री के पास हो गवर्नर केवल नाम मात्र का रहे तो दोनों विकल्प टिप्पणी करना है चर्चा करनी है फिर प्रांत में उत्तरदायी सरकार इस अधिनियम का सबसे प्रमुख प्रावधान प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था और अब राज्य के गवर्नर की परिषद में वही सदस्य शामिल होते थे जो विधान परिषद में निर्वाचित होकर आते थे और इसीलिए हमारे देश में वही मंत्री होता है जो निर्वाचित होकर आया हो अमेरिका जैसा किसी को भी हम मंत्री नहीं बना देते हैं अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन के बगैर जैसे कि पश्चिम बंगाल की जो ममता दीदी थी वो हार गई ममता बनर्जी हार गई तो वो फिर भी मुख्यमंत्री बन सकती है छह महीने के लिए छह महीने के अंदर उसे कहीं ना कहीं से जीत आना होगा गवर्नर की परिषद के सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं इसका मतलब अब उनकी जिम्मेदारी है कि वह जब भी कोई काम करेंगे तो विधान परिषद को अपना जवाब देंगे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को व्यापक रूप से स्वीकार किया तथा राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी इस प्रकार की व्यवस्था अपनाया और इसीलिए हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया कि आपकी संसद के प्रति जो भी लोग चुनकर आएंगे वो उत्तरदायी होंगे और अपने हर सवाल अपनी जिम्मेदारी के सवालों के जवाब वो देंगे वर्तमान में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होता है वो संसद से ही चुने जाते अर्थात प्रत्येक मंत्री को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है देखना 2006 में एक सवाल आया था भारत शासन अधिनियम 1935 किस प्रकार से भारत में संवैधानिक विकास के इतिहास में लौट न सकने की स्थिति का एक केंद्र बिंदु बन गया तो आपको केवल यहाँ वो चार बिंदु समझाने थे अखिल भारत शक्तियों का विभाजन द्वेद शासन की समाप्ति और उत्तरदायी सरकार ये वो चार बिंदु हैं जो 1935 से कभी न लौट सकने वाली बात बन गई अब हम आगे ही देख सकते थे अब हम वापिस राजा महाराजाओं जैसी बातों के दौर में नहीं जा सकते थे अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 किस प्रकार भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में नीम का पत्थर साबित हुआ इसे भी अब आप लिख सकते हैं एज इट इज लिखना है भारत शासन अधिनियम 1935 ने किस प्रकार भारतीय संविधान के विकास को आधार प्रदान किया सबसे लंबा कई प्रकार की बातें सीधी भारतीय संविधान में यहां से ली गई है सत्रह में कंपनी के प्रशासनिक ढांचे का विनियमित करने वाला अधिनियम मतलब सत्रह का जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1935 तक आते आते भारत के संविधान का पूर्ववर्ती बन गया क्योंकि 1935 के बाद सीधा फिर भारत का संविधान आता है क्योंकि उन्नीस में तो आजादी की घोषणा करने वाला कानून ब्रिटेन की संसद से पारित होता है इसलिए वो सीधा जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1935 में भारत के संविधान का ठीक पहले वाला चरण बन जाता है कितना बेहतरीन विकास क्रम हमारे भारत के संविधान का हुआ भारतीय शासन अधिनियम उन्नीस इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त उन्नीस को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर भारत को संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा भारत तथा पाकिस्तान दो संप्रभु राज्यों का गठन का प्रावधान किया गया राज्य मतलब राष्ट्र क्योंकि राज्य राजा का होता है राष्ट्र नागरिकों के होते हैं क्योंकि हर नागरिक तो के दायित्व होते हैं मैं तो राज्य के प्रति दायित्व केवल राजा के या सरकार के होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम राज्य की बात करते हैं देशी रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी भी देश के साथ शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई मतलब देशी रियासतों के पास तीन विकल्प थे भारत में जाए पाकिस्तान में जाए या स्वतंत्र रहे देशी रियासतों को यह अधिकार भी दे दिया कि वो स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा निर्मित कोई भी कानून अब भारत और पाकिस्तान पर लागू नहीं होगा यदि कोई देश चाहे तो कानून बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून को लागू कर सकता है भारत में आईपीसी सीआरपीसी कानून आज भी लागू हैं जो ब्रिटिश काल से लिए गए हैं इस अधिनियम के द्वारा भारत के वाइस को केंद्र का जबकि राज्यों के गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित कर दिया गया और संवैधानिक प्रमुख से कहा कि आप मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। हालांकि की शुरुआत 1935 में ही कर दी गई थी किंतु सैतालीस के अधिनियम द्वारा इसे अधिक स्पष्ट रूप प्रदान कर दिया गया वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163 इसी व्यवस्था से प्रेरित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के, के सहायता से काम करता है और राज्यों में मुख्यमंत्री की सहायता से या मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से गवर्नर आदेश पारित करता है तो पूरा संक्षिप्त में देख लेते हैं ऐतिहासिक में हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्माण राष्ट्रपति में शक्तियां निहित होगी राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निष्पक्ष न्याय की अवधारणा विधि के, के समक्ष समता धार्मिक स्वतंत्रता राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रांतों के लिए विधान परिषद गठन की बात प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन विधायिका कार्यपालिका में भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत न्यायालय में लंबित विषय पर संसद में चर्चा नहीं किए जाने का प्रावधान बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के अनुभव भारत में दोहरे शासन और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत दोहरा शासन प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना केंद्र के साथ प्रांतों के लिए भी लोक सेवा आयोग का गठन राज्यों को अपना अलग से बजट बनाना अखिल भारतीय संघ की स्थापना केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा प्रांतों में द्वित शासन की समाप्ति प्रांतों में दो सदन वाली विधायिका की व्यवस्था आरक्षण की संकल्पना ये सब कुछ हमने इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिया है यह है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अब आते हैं लाल लालियो संविधान सभा का गठन कार्य प्रणाली और अन्य पक्ष जरा ध्यान से सुनना पहली यूनिट का यह पड़ाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी कई बार डायरेक्ट सवाल आपको मिल जाते हैं तो आइए जरा ध्यान से देखना अभी घबराना नहीं ज्यादा नहीं बचा अब अब चीजें उतनी टिपिकल नहीं है संविधान सभा का गठन कार्य प्रणाली अन्य पक्ष संविधान सभा की मांग सबसे पहले तो ये समझते कि हमारे देश के लोगों ने यह मांग कब की कि हमारा भी एक संविधान होगा भाई ऑब्वियसली अभी तक तो लंदन से या ब्रिटेन की संसद से कानून पारित होकर आ रहे थे तो ऐसा कब भारतीय लोगों को लगा कि अब हमें यहां का निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए तो उन्नीस में एम एन राय ने पहली बार एक विचार प्रस्तुत किया 1935 में कांग्रेस के संगठन में उस विचार पर बातचीत हुई 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है हम भी सोचेंगे तुम्हारी इस मांग पर पर जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन बहुत कमजोर पड़ गया और अमेरिका का दबाव बढ़ा तो 1946 में वहां से तीन मंत्रियों को भेजकर भारत में संविधान निर्माण के लिए रास्ता खोल दिया और इनसे कहा कि अब आप अपने देश का संविधान बनाना शुरू कर दीजिए हम इस देश से जाने वाले हैं आप अपनी शक्त, अपनी व्यवस्था को खुद कैसे संभालेंगे कौन कौन सा पद धारण करेगा कौन सरकार बनाएगा कैसे सरकार चलाओगे इसका डिसीजन आप ले लीजिए तो कहानी की शुरुआत 1934 के एम एन राय से होती है कैबिनेट मिशन पर खत्म होती है और फिर संविधान सभा का गठन होता है भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार एम एन राय ने उन्नीस में रखा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रमुख मांग भी यही थी कि भारत को स्वतंत्र किया जाए स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा जो जनता द्वारा चुनी जाएगी पर ऐसा हुआ नहीं हमारे देश के संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा ने किया है वो चुनी हुई तो नहीं थी जनता से चुनी हुई नहीं थी अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई हो सकती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा औपचारिक रूप से 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भारतीयों की इस मांग पर पहली बार विचार किया गया और 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन 1946 तीन सदस्य भेजे थे लंदन वाले ब्रिटेन वाली संसद ने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सर क्रिप्स और एलेक्सेंडर भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा निर्मित करना तथा केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना एक्चुअली भारत को अब आजाद करने का दबाव ब्रिटेन पर था तो इन्होंने इन मंत्रियों को कहा कि वहां के जो नेता हैं बड़े बड़े उनसे मुलाकात करो और उनको कह दो कि हम जा रहे हैं तुम यहां का शासन व्यवस्था संभाल संभालोगे लो तो कैसे करोगे तो वहां का संविधान बना लो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की देश के विभाजन की मांग को ठुकरा दिया था लेकिन फिर भी कैबिनेट मिशन के लिए तैयार हो गया था मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ इस योजना में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया था अब कैबिनेट मिशन तो चला गया फिर हमारे देश ने अब संविधान सभा का निर्माण शुरू किया हर दस लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुनने की बात आई और कहा कि ये प्रतिनिधि मिलकर एक सभा बनाएंगे और वो सभा फिर एक किताब का निर्माण करेगी जिसे भारत का संविधान कहा जाएगा दस लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुने जाने का प्रावधान किया गया देशी रियासत से भी इसी आधार पर प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था की गई किंतु राजाओं को वह सदस्य भेजना था राजाओं को मनोनीत करना था न कि उनका जनता द्वारा चुनाव होना था इस योजना के आधार पर दिसंबर 1946 में प्रांतीय विधायिकाओं का चुनाव हुए मतलब प्रांत में चुनाव हुए केंद्र में नहीं प्रांत में प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं हुए मुख्यमंत्रियों के हुए और फिर वहां से उन्होंने चुन चुनकर मनोनीत करके लोगों को भेजा कांग्रेस को लगभग सत्तर परसेंट सीटों पर बहुमत प्राप्त हुआ मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति देखकर संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया तथा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया यहां मुस्लिम लीग ने क्या किया डायरेक्ट एक्शन की बात की और पूरे देश में दंगे शुरू हो गए जैसे ही डायरेक्ट एक्शन जो जिन्ना था उसकी बातों को मुस्लिम लोगों ने सुना तो बहुत ज्यादा हत्याएं और लूटपाट होने लगी बहुत बड़ा नरसंहार हुआ पूरे विश्व में ब्रिटेन की क्रिटिसिज्म किया जाने लगा कि एक तो ब्रिटेन जल्दी आजाद नहीं कर रहा है और वहां की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है इधर ब्रिटेन छोड़ने के लिए तो तैयार था लेकिन ऐसे छोड़ेगा तो पूरे देश में पूरे विश्व में बदनामी होगी तो उसने वैसे कोशिश हल्की पुल्की की लेकिन यहां पर महात्मा गांधी अगर नहीं होते तो शायद ये नरसंहार और भयानक हो जाता इसीलिए उनको वन मैन आर्मी नाम दिया जाने लगा कि वो अकेले व्यक्ति जहां जाते थे दंगे समाप्त हो जाते थे तब अगर हम बात करें तो संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे जिसमें प्रांतीय चुनाव में जीते हुए उम्मीदवार भी शामिल थे साथ ही देसी रियासत द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि भी शामिल थे प्रांतीय विधायकों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया इस प्रकार संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थी बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चुनी गई थी जैसे वर्तमान में राज्यसभा के लोग चुने जाते हैं भाई वर्तमान में राज्यसभा के लोगों का चुनाव कैसे होता है हम विधानसभा में लोगों को चुनते विधायकों को फिर विधायक अपने मर्जी से राज्यसभा के लोग भेजते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सभा थी हमारी संविधान सभा मुस्लिम लीग का संविधान सभा से बाहर होना किंतु इसके बाद सैतालीस के अधिनियम के अनुसार मुस्लिम लीग के सदस्य पूर्ववर्ती संविधान सभा से बाहर हो गए फिर उन्होंने आनंद फानंद में उन्नीस का कानून पारित किया दो देश बना दिए फिर मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान का संविधान बनाया अब मुस्लिम लीग नवगठित पाकिस्तान के लिए संविधान बनाने का कार्य करने लगी भारत के लिए संविधान बनाने वाली सभा में अब कुल तीन सदस्य रह गए थे जिनमें से 89 सदस्य देसी रियासत के थे और 235 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे तो कुल 324 लोगों ने मिलकर हमारे देश का संविधान बनाया है जिसमें से 89 लोग राजाओं के द्वारा भेजे गए थे और 235 लोग उस ब्रिटिश प्रांतों से मतलब जहां डायरेक्ट ब्रिटेन का कंट्रोल था इस संविधान सभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व एट्टी से अधिक हुआ था मतलब एक ही पार्टी के लोग थे तो अगर हम बात करें सो दो और एट्टी भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए सरकार द्वारा संविधानिक मामलों में तो आंसर आएगा ऑप्शन सी दो में पूछा गया सवाल भारतीय संविधान सभा अब संविधान सभा तो बन गई लेकिन बहुत प्रॉब्लम थी इतना बड़ा देश इतनी बड़ी विविधता उन विविधताओं के साथ साथ एक संतुलन कायम करना गरीबी अशिक्षा पैसों की कमी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी सरकार बनाना जो ऐसे देश को चला सके जिसके पास पैसा नहीं है जिसके पास अनाज नहीं है जिसके पास शिक्षित लोग नहीं है आपको एक बात मैं बता दूं, शायद आज पहली बार कई लोगों को पता चलेगा जब ब्रिटेन के लोग उन्नीस के बाद जाने लगे तो कई सारे कलेक्टर एस के पद जो ब्रिटिशरों ने लेकर रखे थे वो भी गए उनको भी हमने भगा दिया कुछ ब्रिटिशर रुके थे सरकार ने अनुमति दी थी कि भाई आप यदि रुकना चाहे तो रुक सकते हैं हमारे देश के शासन चलाने में हमारी मदद कर सकते हैं अब ध्यान से सुनना तो आपको शायद पहली बार पता चले कि यूपीएससी ने जब फॉर्म निकाले थे यूपीएससी ने जब नोटिफिकेशन जारी किया तो उस दौर में 1948 49 और 50 के दौर में यूपीएससी जितनी सीटों के लिए आवेदन मांगती थी उससे भी कम लोग आवेदन करते थे मतलब सीटें होती थी 5000 आवेदन करने वाले लोग 2000 सोचिए कैसे पुण्यात्मा रहे होंगे वे लोग जिनको कोई कंपटीशन ही नहीं करना था आपको एक और अचरज की मैं बात बता दूं कि उस जमाने में कई सरकारी नौकरियों के लिए लोग मिलते नहीं थे तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था बस इतनी खबर पता चल जाए तो सरकार उसके घर पर एक पत्र भेजती थी कि भाई उस फलाना व्यक्ति के यहां पर पत्र लेकर कहो कि आपको हमने ये सरकारी नौकरी प्रधानाचार्य टीचर इलेक्ट्रीशियन ये पद दे दिया है आप नौकरी पर आ जाओ पर आपको सुनकर अचरज होगा कि जब पोस्टमैन उनके घर पर जाता था ऐसी खबर लेकर ना तो पोस्टमैन को मार पड़ती थी एक्चुअली उस दौर में पढ़े लिखे जो लोग होते थे वो जमींदार के बेटे राजाओं के बेटे होते थे तो जब पोस्टमैन वो लेकर जाता था उनके घर तो पोस्टमैन को पीटा जाता था कहा जाता था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नौकरी देने की राजा का बेटा है जमींदार का बेटा है अपनी जमींदारी करेगा नौकरी थोड़ी करेगा किसी के पास एक वो भी दौर था और एक ये भी दौर है जहां पर सीटें आती हैं आठ सौ फॉर्म भरे जाते हैं नौ लाख एग्जाम दिए जाते हैं 5 लाख पीटी में निकाले जाते हैं पंद्रह हजार मेन्स में निकाले जाते हैं तीन हजार फाइनल सिलेक्शन होता है आठ सौ का जिसमें केवल सौ लोगों को आई का पद दिया जाता है तो ये भी एक अद्भुत से रहस्य है ऐसा भी होता है तो संविधान सभा के समक्ष चुनौती क्या थी पहली चुनौती थी भारत की विशालता विविधता सांप्रदायिकता क्योंकि उस समय बहुत दंगे भी हो रहे थे अल्पसंख्यक हितों को भी रक्षा करना क्योंकि जो लोग भारत में रह गए थे उनको किसी प्रकार का टेंशन ना है भारतीय संविधान सभा को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान का निर्माण करना था इस देश में अनेक धर्म जाति संस्कृति और भाषा विद्यमान थी और भविष्य में भी रहने वाली थी मैं आपको एक बात बताऊं जब ब्रिटिशर जा रहे थे ना तो 99 परसेंट विश्व के समझदार देशों को लग रहा था कि भारत कई बार युद्ध ग्रह युद्ध से जूझेगा कई बार भारत में झगड़े होंगे भारत के कई टुकड़े होंगे और यह भी अफ्रीका जैसा छोटा छोटे टुकड़े के देशों में गरीब बना रहेगा पर अद्भुत है हमारे देश के संविधान निर्माताओं की शैली जिन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया आज सत्तर वर्षों ने भारत को एक ऐसी मजबूती दी है कि अब उस संविधान को बदलने के लिए अद्भुत से अद्भुत सी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी संविधान सभा को सांप्रदायिकता की समस्या का भी समाधान करना था इस समस्या ने भारत का विभाजन किया था संविधान निर्माता सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली को सभी वर्ग और जातियों की सहमति से समाप्त करना चाहते थे और भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे विविध हितों की रक्षा संविधान सभा को अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति महिला आदि विशेष वर्ग के लिए भी विशेष प्रावधान करने थे ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके साथ ही उन्हें भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सके इस प्रकार संविधान सभा द्वारा ऐसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था जिससे भारत अपनी आकांक्षाओं के अनुकूल तथा श्रेष्ठ की व्यवस्था का निर्माण कर सके तथा संचालन कर सके मतलब एक ऐसा संविधान बनाना था जो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या थे? देखो भाई संविधान निर्माताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्योंकि जिस सिस्टम से वो चले आ रहे थे उस सिस्टम से वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे संविधान निर्माताओं को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने प्रभावित किया संविधान निर्माता के सदस्य और व्यक्तित्व जैसे जवाहरलाल नेहरू थे पटेल साहब थे तो ये समाजवादी विचारधारा के लोग थे इनको रूसी क्रांति बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि रूस में राजा महाराजा रहते थे पर राजा महाराजा को खत्म करके सब नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया गया रूस ने बड़े तेजी से विकास किया द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने में सबसे बड़ी भूमिका रूस की रही तो रूस के प्रति इतना आकर्षण था जवाहरलाल नेहरू जी को कि वह भारत को भी रूस के जैसा ही विचार सोचते थे पटेल साहब भी यही सोचते थे विभिन्न देशों के संविधानों के अनुभव और अलग अलग देशों के अनुभव भी थे पर महात्मा गांधी जी का भी प्रभाव था महात्मा गांधी नहीं चाहते थे रूसी जैसी कोई क्रांति चीनी क्रांति भारतीय संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख विचार जिन पर पूरी संविधान सभा एक मत थी अब देखना संविधान सभा जब बनी तो बहुत सारी बातों पर सभी लोग ऑलरेडी एकमत थे ठीक है अब दो तरीके के मुद्दे हैं कुछ बातें तो ऐसी है जिसे संविधान सभा पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी है संविधान सभा ने मान लिया पूरी संविधान सभा तैयार है कि भाई ये तो हम करेंगे ही कुछ भी हो जाए हमारा संविधान में ये बातें रहेगी पर बहुत सारी बातें ऐसी थी जिस पर प्रॉब्लम थी तो हमारे संविधान सभा ने बड़ा समाधान अच्छा निकाला उन्होंने कहा कि जहां पर प्रॉब्लम आएगी हम बहुमत नहीं करेंगे एकमत जब तक कि पूरे लोग उसका कोई मध्यस्थ रास्ता नहीं लेकर आएंगे तब तक उस प्रावधान को संविधान में जोड़ा नहीं जाएगा इसका मतलब लाल लालयो हमारे संविधान में जो बातें शामिल की गई हैं, वो बहुमत के आधार पर नहीं सारे संविधान सभा के 324 लोग जब हामी भरते थे तब वो चीज संविधान में शामिल होती थी इसके लिए उन्होंने क्या किया समायोजन भाई जहां पर विरोध किया जा रहा है वहां उनसे कहा कि क्या बदलाव होना चाहिए तो एडजस्टमेंट की बात आई अकोमोडेशन की बात आई कि समायोजन करेंगे और जहां जहां पर उन्हें लगता था कि किसी अन्य देश की चीज अच्छी है तो उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में पहले बदलते थे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे ऐसे लागू करना चाहिए तब जाकर उसे संविधान में जगह देते थे तो कुछ चीजें तो ऐसी थी जिस पर सारे संविधान सभा के मेंबर ऑलरेडी तैयार थे और जहां पर तैयार नहीं थे वहां एकमत की बात हुई समायोजन की बात हुई और अन्य देशों के संविधानों से मदद लेकर उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बदला गया जैसे समाजवाद की स्थापना की भाई गरीब का भी भला होना चाहिए हमारे देश में अमीर ही नहीं गरीब का भी कल्याण होना चाहिए उसको भी जीवन के पूरे अधिकार मिलने चाहिए राज्य की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना पड़ेगा अन्यथा देश बट सकता है लोकतंत्र समता निष्पक्ष वयस्क मताधिकार पंत निरपेक्षता स्वतंत्रता इन संकल्पनाओं को सारे संविधान सभा के सदस्यों ने स्वीकार कर लिया था पहले ही संविधान निर्माताओं में इन चार लोगों की भूमिका बहुत ही ज्यादा रही है क्योंकि इनके व्यक्तित्व और इनकी बातों का प्रभाव पूरे संविधान में हमें दिखता है संविधान सभा के सदस्यों को मुख्यतः चार भागों में बांटा जा सकता है गांधीवादी विचारधारा समाजवादी विचारधारा उदारवादी विचारधारा और एकीकृत विचारधारा गांधीवादी विचारधारा का कहना था कि भाई लोकल लेवल पर भी शासन व्यवस्था हो मतलब शासन को आप बांट दीजिए विकेंद्रीकृत करिए पूरी शक्तियाँ केंद्र को मत दीजिए कुछ शक्तियां राज्यों को दीजिए और कुछ शक्तियां लोकल लेवल पर भी रखिए पंचायतों का गठन पिछड़े वर्गों का उत्थान व्यक्तिगत स्वतंत्रता नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना समाजवादी विचारधारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाजवादी अवधारणा के प्रमाण मिलते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था गरीबों को भी उतने ही अधिकार मिलेंगे काम करने के रोजगार प्राप्त करने के जितने की अमीर को मिलेंगे उत्पादन और वितरण के संसाधन पर सभी का बराबरी का अधिकार होगा आर्टिकल थर्टी नाइन डाला गया उदारवादी विचारधारा भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव उदारवादी दृष्टिकोण का पड़ा जिस उदारवादी का मतलब होता है तो तो लोग उदारवाद का मतलब कि भाई कट्टर नहीं है बदलेंगे जैसे मैं आपको बताऊं इधर ध्यान से सुनना आपके परिवार को देखिएगा जरा आपके परिवार को ध्यान से देखना आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे होंगे पिताजी हो सकते हैं माताजी हो सकती है दादा हो सकता है दादी हो सकती है नाना हो सकते हैं नानी हो सकती है जो कुछ चीजों को बदलते ही नहीं मतलब उनको कुछ भी कह दो कि भाई अब नया जमाना आ गया है लोग ऐसा नहीं सोचते हैं पर वो कहेंगे कि नहीं हम तो गोमूत्र ही पिएंगे बीमारी के इलाज के लिए हम कहेंगे नहीं दवाइया ले नहीं गोमूत्र से ही सब कुछ होगा तो मैंने कहते यार ये कैसे लोग हैं चेंज ही नहीं करते दुनिया बदल रही है इन्हें कहते कि ये लिबरल रोग नहीं है उदारवादी नहीं है उदारवादी क्या करते हैं परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहते हैं ठीक है वो पहले गलत कुछ चीजें मानते थे आज नहीं मानते कल और चीज बदलेंगे तो जो बदलाव करने वाले लोग होते जो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो उदारवादी लोग हैं जो चीजों को स्वीकार करना जानते हैं उदारवाद का मतलब होता है लिबरल का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम जैसे आपके माता पिता होंगे जो आपको मिनिमम फ्रीडम देंगे तो इसका मतलब समझ जाना कि वह पुरानी रूढ़िवादिता पर बात करते हैं और जो कुछ माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत फ्रीडम देते हैं तो समझ जाना वो उदारवादी माता पिता है तो मूल अधिकार दिए नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी समान न्याय की बात की कानून के समक्ष समता की बात की वयस्क मताधिकार की बात की तो ये सब उदारवादी विचारधारा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केंद्र में मजबूत शक्ति की बात की एकता और अखंडता की बात की उसे एकीकृत विचारधारा की बात करते हैं अब एक संक्षिप्त में देख लेते कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ जाता है अलग अलग संविधानों से हमने क्या क्या लिया तो भारत के भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ा है तो संघीय व्यवस्था हमने देखा यही से ली न्यायपालिका की व्यवस्था हमने यही से ली आपातकाल के भी उपबंध इसमें थे राज्यपाल का कार्यालय या राज्यपाल का कार्यकाल कैसा होगा राज्यपाल कैसे काम करेगा यूपीएससी और प्रशासनिक विवरण हमने 1935 से लिए हैं ब्रिटेन से क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर लंबे समय तक शासन किया और उनकी संसद लगातार कानून पारित करके हमारे देश में ज्यादा पड़ेगा तो संसदीय शासन प्रणाली विधि का शासन विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता कैबिनेट प्रणाली परमाधिकार लेख संसदीय विशेष अधिकार द्विसदनीय व्यवस्था क्या होता है सब पढ़ेंगे बस अभी फैक्ट के रूप में याद रख लेना थोड़ा बहुत ही याद रखने का मतलब जैसे जैसे और पढ़ते जाएंगे तो और क्लियरिटी आएगी कि ये कहां से लिया गया है तो अभी केवल फैक्ट के रूप में अमेरिका अमेरिका का क्यों हमने लिया क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और परमाणु बम का उपयोग किया अमेरिका के द्वारा तो जापान जैसे भयानक साम्राज्यवादी देश को भी घुटनों के बल गिरा दिया तो उस अमेरिका को भी तो देखना पड़ेगा अमेरिका के संविधान से भी हमने बहुत कुछ लिया मूल अधिकार लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायिक पुनरावलोकन उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना राष्ट्रपति पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद कनाडा अमेरिका के पड़ोस का ही देश सशक्त केंद्र संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र मतलब केंद्र को शक्तियां ज्यादा दी गई है ऑस्ट्रेलिया में केंद्र कमजोर होता है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी केंद्र तथा राज्यों के राज्यपालों केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय को परामर्शी न्याय निर्णय मतलब उच्चतम न्यायालय जो निर्णय दे दे वही एक कानून बन जाएगा आयरलैंड का संविधान से भी हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचन का वो तरीका जिसे संक्र, एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं हम वो भी पढ़ेंगे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्ती सूची ली जिसमें दोनों लोग कानून बना सकते थे केंद्र और राज्य व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही सीखी फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक जैसे ब्रिटेन में महारानी ही कहलाती है मुखिया पर हमारे देश में मुखिया राष्ट्रपति कहलाता यह हमने फ्रांस से सीखा स्वतंत्रता समता और बंधुता जैसे विचार लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया की हमारे देश के उस संविधान को यदि हमें बदलना है उसमें कुछ नई चीज जोड़नी है उसमें से कोई चीज हटानी है कोई चीज का समावेश करना है तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिखी देखी है क्योंकि अमेरिका में संविधान संशोधन बहुत ही कठिन होता है ब्रिटेन में संविधान संशोधन बहुत ही सरल होता है तो हमने बीच का रास्ता अपनाया जैसे दक्षिण अफ्रीका ने अपनाया था राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से देखी जर्मनी के विमर्ण संविधान से हमने सीखा है कि आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे केवल 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार समाप्त हो जाते है यदि भारत में आपातकाल लागू हो जाए ये हमने जर्मनी से सीखा जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कही है कि, कि किसी भी व्यक्ति को कानून बनाकर ही समाप्त किया जा सकता है जैसे कि फांसी की सजा दी जा रही है कोई भी व्यक्ति किसी को भी या सरकार भी समाप्त नहीं कर सकती है भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए 2005 में यूपीएससी ने पूछा था तो भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली में क्या क्या बताओगे आप लोग चुनौतियों का सामना जो था उन्होंने कैसे किया किस तरीके से भारतीय संविधान सभा ने संविधान सवि, का निर्माण किया भारतीय संविधान परिवर्तन के साथ चयन के सिद्धांत का एक सुंदर उदाहरण है परिवर्तन के साथ चयन का मतलब भली हमने अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें ली लेकिन वो एज इट इज नहीं ली बल्कि हमने पहले उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में मॉडिफाइड किया तब जाकर भारतीय संविधान में उसे जगह दी है अब आते हैं संविधान सभा जब पहली बार बैठी तो उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया तेरह दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिससे संविधान निर्माण की औपचारिक शुरुआत हुई इस प्रस्ताव में उन आदर्शों का उल्लेख था जिनके आधार पर संविधान सभा को संविधान का निर्माण करना था उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि शुरुआत में जो बातें बताई जाती हैं उसी को प्राप्ति के लिए हम इतना पूरा किताब पढ़ रहे हैं 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान में उद्देशिका का समावेश किया गया ये जो भारतीय संविधान में उद्देशिका होती है ना मेरे लाल लालियो ये पूरे संविधान का सार है ये पूरे संविधान का सारांश है जो भी बात संविधान में आपको स्पष्ट ना हो आप उद्देशिका से उसे स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा हमारी सुप्रीम कोर्ट का कहना है तो उद्देश्य का मतलब क्या है हमारे संविधान का उद्देश्य लक्ष्य क्या है भारत एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा मतलब भारत अब किसी का गुलाम नहीं होगा उसका जो मुखिया होगा वो भी चुना जाएगा जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देसी रियासतों में है या इन दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र जो शामिल होना चाहते हैं भारतीय संघ उसकी इकाइयों में समस्त शक्तियों का मूल स्रोत जनता रहेगी मतलब वास्तविक रूप में शक्तियां तो संविधान से मिलती है लेकिन संविधान को शक्ति जनता से मिलती है अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़ी जाति और कबायली जाति के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी भारत का संविधान का उद्देश्य का फिर फाइनली क्या जोड़ा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सबके लिए समान अधिकार कोई गरीब कोई अमीर नहीं रहेगा सबके पास बराबरी में इतना तो जीवन यापन का पैसा रहेगा पंथनिरपेक्ष सरकार किसी भी धर्म का समर्थन और विरोध नहीं करेगी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीन प्रकार के न्याय दिलाने के लिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना पांच प्रकार की स्वतंत्रता देने के लिए तीन न्याय पांच स्वतंत्रता तीन न्याय पांच स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता दो समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज छब्बीस नवंबर उन्नीस को हमारा संविधान लिखने का काम पूरा हो गया था मिति मार्गशी शुक्ल सप्तमी ये मराठी में या हिंदी जो हमारे महीने होते हैं सप्तम 2006 विक्रम को विक्रम को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते अंगीकृत मतलब स्वीकार अधिनियमित मतलब लागू और आत्मार्पित मतलब इसके अनुसार अब हम भी चलना शुरू करेंगे हम अपने आप को सौंपते हैं संविधान को संप्रभुता का मतलब अब भारत पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा समाजवादी का मतलब उत्पादन वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा यह एक चीज समझना हमारा समाजवाद चीन और रूस के जैसा नहीं है हमारा समाजवाद लक्ष्य है लक्ष्य है कि हमें ऐसा करना है कि किसी को भी कुपोषण और गरीबी का सामना न करना पड़े हा लेकिन हम तरीका लोकतांत्रिक अपनाएंगे हम तरीके में सबको अपनी अपनी आजादी देंगे पर जैसे चीन हो गया दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया हो गया तो उत्तर कोरिया में तो वो जो किम जिंग जो भी आदमी है वो तय करता है तो ऐसा समाजवाद नहीं हमारा। हमारा जो समाजवाद है वो बिल्कुल लक्ष्य है साधन नहीं है मतलब उसके द्वारा हम शासन नहीं चलाएंगे हम केवल उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे पंथ निरपेक्ष का मतलब किसी धर्म का समर्थन नहीं लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा चुना जाएगा एम पी एम एल ए डायरेक्टली चुने जाते हैं भारत में लेकिन अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र माना जाता है क्योंकि राष्ट्र कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं और राष्ट्रपति डायरेक्ट तो चुना नहीं जाता अमेरिका जैसा गणतंत्र का मतलब है कि राजनीतिक शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में रहेगी और वह भी वंशानुगत नहीं रहेगा चुना जाएगा बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यालय खुले रहेंगे राष्ट्रपति का चुनाव पांच वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा सामाजिक न्याय हर व्यक्ति के साथ जाति रंग धर्म लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होगा वोट देने का अधिकार वयस्क मताधिकार पर होगा राजनीतिक न्याय हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे वोट देने का अधिकार मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार स्वतंत्रता मिलेगी सभी को सभी समान प्रकार की अब आते हैं हमारे संविधान के लोगों ने संविधान का निर्माण कैसे किया बस ज्यादा नहीं बचा है, ज्यादा नहीं बचाए मेरे लाल लालियो बस 25 मिनट की क्लास बची है बस 25 मिनट की क्लास बची है संविधान निर्माता किसी मौलिक ग्रंथ की खोज में नहीं थे हमारा संविधान निर्माता करने वाले लोग ऑलरेडी समझ चुके थे हमें कोई नया संविधान ऐसा नहीं लिखना है जो दुनिया में था ही नहीं हमें कोई मौलिक चीज नहीं बनानी है हमें एक ऐसा संविधान बना जो हमारे देश में लागू हो सकता है जो हो सकता है कि इधर उधर में पहले से ही लागू हो तो संविधान निर्माता किसी मौलिक ग्रंथ की खोज में नहीं थे संविधान सभा का दृष्टिकोण एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जिसे व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके संविधान सभा में सभी प्रकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले जैसे कुछ दक्षिण पंथी कुछ वामपंथी कुछ मध्य मार्गी भी थे एक समन्वित दृष्टिकोण उभर कर आया और एक यथार्थवादी दृष्टिकोण को मान्यता दी यह तीनों शब्द बता दे रहा हूं मैं दक्षिण पंथी का मतलब जो परंपरागत चीजों को ही मानते हैं वामपंथी का मतलब जो नई विचारधारा को मानते हैं और मध्य मार्गी का मतलब जो दोनों चीजों को मानते हैं वामपंथी का मतलब जैसे दक्षिण पंथी मानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में महिलाएं शामिल नहीं हो सकती वामपंथी मानते क्यों नहीं भाई हनुमान जी की बहन भी हो सकती है हनुमान जी की माता भी तो हो सकती है एक महिला हनुमान जी की हनुमान जी के लिए अपने भाई के समान भी सोच सकते तो आप उन्हें क्यों नहीं हनुमान जी की पूजा करने दे सकते तो ये वामपंथी विचारधारा समझना मतलब नया विचार प्रस्तुत करना नया विचार प्रस्तुत करना भारतीय संविधान सभा के दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली का सबसे उपयुक्त विश्लेषण पाश्चात विचारक ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में मिलता है एक ब्रिटिशर्स है जिसने किताब लिखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन जो ग्रेनविल ऑस्टिन जी की किताब है इस किताब में महोदय क्या लिखते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया कि भारतीय संविधान सभा का दृष्टिकोण तीन सिद्धांतों पर आधारित था सर्वसम्मति तब तक बात नहीं होगी जब तक सब लोग हाना कहे समायोजन किसी बात पर यदि विरोध हो रहा है तो जो विरोध के बिंदु है उसको सुधारा जाएगा परिवर्तन के साथ चयन कोई विदेशी संविधान की प्रणाली अगर भारत में लागू की जा रही है तो पहले उसे भारतीय रूप में बदला जाएगा फिर लागू किया जाएगा संविधान सभा की समितियाँ थी संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जीवी मावलकर थे उसके अध्यक्ष संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे प्रक्रिया नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे संघीय शक्ति संबंधी शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी थे वित्त और स्टाफ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र सॉरी राजेंद्र प्रसाद जी थे राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो एच सी मुखर्जी थे मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी जी थे तो ये अलग अलग समिति के अध्यक्ष पीटी में पूछा जाता है बस अंतिम है भारतीय संविधान की विशेषता भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है भारतीय संविधान में इतना लंबा संविधान होने का बड़ा कारण है भाई हमने सब कुछ शामिल कराना था क्योंकि हम ब्रिटेन के जैसा शोषण थोड़ी करना चाहते थे इसलिए हम चाहते थे कि शासन व्यवस्था बहुत स्पष्ट रूप से होनी चाहिए भारत के संविधान की अपनी विशिष्टता है जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती है यद्यपि इसमें विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों को समाहित किया गया है तथापि इसमें परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन के साथ ही अन्य संविधान के लक्षणों का समावेश भी किया है भारतीय संविधान व्यवहारिक है इसमें परिवर्तन की क्षमता है शांति काल और आपातकाल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य है भीमराव अंबेडकर जी के शब्द रट लेना बहुत अच्छा तरीके से भारतीय संविधान की विशेषता बताता है भारतीय संविधान व्यवहारिक है इसमें परिवर्तन की क्षमता है शांति काल और आपातकाल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य है सबसे पहली विशेषता हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया हम भारत के लोग मतलब अंतिम रूप से संविधान को शक्ति प्रदान करने वाले लोग भारत की जनता है भारतीय संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई संविधान प्रस्ताव की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तो और आत्मार्पित करते हैं भारत के संविधान के मौलिक उद्देश्य और लक्ष्यों को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है यह संविधान की बड़ी विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान मूल संविधान में लाल लालियो तीन सौ पंचानवे आर्टिकल थे बाईस भाग थे और आठ अनुसूचिया थी लेकिन वर्तमान संविधान में अब 400 से ज्यादा अनुच्छेद है 12 अनुसूचिया है 12 अनुसूचिया है भारत के संविधान के विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का कारण है केंद्र राज्य के लिए अलग से विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका संबंधी प्रावधान आप देखेंगे कि केंद्र के लिए 123 कहता है अध्यादेश तो गवर्नर के लिए अध्यादेश 213 कहता है ऐसा केंद्र के लिए अलग से लिखा है राज्य के लिए अलग से लिखा है तो ऑब्वियसली जब दोनों तो लोगों को अलग अलग पूरा वर्णन करके दे रहे हैं तो किताब बड़ी बनी जाएगी शक्तियों का विभाजन है पिछड़े वर्गों के उत्थान के उत्थान लिए प्रावधान है आपातकालीन प्रावधान हैत्व मूल, मूल कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है विभिन्न संविधानिक आयोगों का भी वर्णन संविधान में है वस्तुतः संविधान निर्माता नवगठित लोकतांत्रिक भारत के लिए समस्त प्रावधानों का उल्लेख संविधान में ही करना चाहते थे ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की अस्पष्टता और जटिलता का सामना न करना पड़े मतलब एक्चुअली उद्देश्य था सरल करना लेकिन कभी-कभी होता है ना सरल करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही जटिल हो गया ज्यादा ही बड़ा हो गया भाषा संविधान निर्माता ब्रिटिश काल में हुए भारतीय जनता के शोषण से भी परिचित थे अतः उन्होंने संविधान के आकार पर ध्यान देने के बजाय उन सभी प्रावधानों को संविधान में शामिल करना उचित समझा जिससे प्रस्तावना में उल्लेखित लक्ष्य और आदर्शों को प्राप्त किया जा सके वो नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी समूह कोई भी संगठन जिसने देश की आजादी में भाग लिया था वो नाराज ना हो सबका कल्याण इस संविधान से किया जा सके संसदीय शासन व्यवस्था की नींव है क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति उनकी कार्यपालिका शक्तियों के लिए मंत्रिपरिषद बहुत विस्तृत वर्णन करना पड़ता है इसी कारण से इतना लंबा संविधान लिख दिया गया तो समायोजन की क्वालिटी है इसमें लोगों से अन्य देशों से चीजें ली जरूर गई हैं, लेकिन वह एज इट इज नहीं भारत में एडजस्ट करके तो ये था लाल लालियो हमारा तीन बिंदु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान का निर्माण और तीसरा ये जो संविधान की विशेषता है अब कुछ छोटी छोटी बातें संविधान सभा से संबंधित प्रमुख तथ्य संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद मानी जाती है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे भले वो अस्थायी थे इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान निर्माताओं ने लगभग साठ देशों के संविधान का अवलोकन किया और जिस संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगे उसे भारत के संविधान में शामिल कर दिया गया सोचिए साठ देशों के संविधान का वर्णन है मतलब इन्होंने पढ़ाई की उसके बाद संविधान लिखा संविधान के निर्माण पर कुल चौसठ लाख रुपए का खर्च आया संविधान का निर्माण दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन मतलब तीन साल होने में केवल बारह दिन बचे थे संविधान सभा में कुल ग्यारह सत्रों के लिए बैठकें हुई संविधान का ग्यारवा सत्र चौदह से छब्बीस नवंबर उन्नीस के बीच आयोजित किया गया 26 नवंबर उन्नीस को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के दो सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किया जिसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है मतलब केंद्रीय कक्ष जो संसद का है भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी दोनों के संस्करण हस्तलिखित है मतलब हाथ से लिखा गया है हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी हाथ से लिखा गया है प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था मूल संविधान हस्तलिखित है जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है सोचिए कितना अद्भुत तरीके से लिखा गया होगा इन कलाकारों ने इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस थे जिन्होंने हाथ से लिखा है हिंदी और अंग्रेजी में हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे हैदराबाद रियासत को शामिल करने में बड़ी तकलीफ आई थी और उसके प्रतिनिधि तब भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः तीन समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था मुस्लिम सिख और साधारण मतलब हिंदू नहीं साधारण जिसमें जैन सब आ गए थे तो मुस्लिम सिख और साधारण तीन प्रतिनिधि तीन धर्म के प्रतिनिधि माने गए थे संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थर्टी थी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या मात्र बारह थी भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर उन्नीस को निर्मित हुआ 26 नवंबर छब्बीस को लागू हुआ लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं दिसंबर 1930 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था और माना था कि हम छब्बीस जनवरी को हमारी आजादी का दिवस मनाएंगे इसीलिए हमारे संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 का दिन निर्धारित किया इस अधिवेशन के तहत निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1931 के दिन कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएगी इसी दौरान कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया पूर्ण को राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्रीय लक्ष्य यही से तय हुआ इसलिए ऐतिहासिक महत्व होने के कारण भारतीय संविधान को छब्बीस जनवरी उन्नीस को लागू किया गया प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं तो लाल लालियो मुझे जरूर कमेंट्स करिएगा कल ये खत्म हो जाएगा कल इसका दूसरा पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कल हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ये ये जो केशवानंद भारती साहब है, हैं क्यों आते बार बार कल की कहानी फिर एक बार कल ये यूनिट खत्म हो जाएगी लाल लालियो नेक्स्ट क्लास में फिर बातचीत करेंगे सभी को बेस्ट ऑफ लक पढ़ते चलना रिवीजन करते चलना नए बच्चों को यदि पीटी और मेंस की तैयारी में जीएस पेपर दो तैयार करना है तो उन्हें हमारे साथ जोड़ते चलना सभी को बेस्ट ऑफ लक गुड नाइट अभी भी घर से बाहर न निकलिएगा रात का समय तो आज है लेकिन बाद में भी दिन में भी नहीं क्योंकि अभी जितना घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे